कहाँ मोरा भटयुगा कहाँ कबीरा एका काल को था गेला गोरा नटराज पाषाण कूटिबो माथा आनले पाशिबो गौरंगा गुनेरा निधि कोथा गेले पाबो से सब संगीरा संगे जे कोलो बिलास से संगा न पाइया कांदे न रोता मोदास जे अनिलो प्रेमा धना करुणा प्रचुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद नेता गौर हरि बो हरि बोल गौर हरि बो विश्वपाल परमहंस परिब्रजगाचार्य श्रोत्र शशि श्रीमद्भाइंग्रेस अभय श्रीनारायण भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जाए अनंत कोटि वैश्य वृंद की जाए नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जाए प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जाए श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जाए गंगा माई की जाए यमुना माई की जाए वृंद देवी तुलसी महारानी की जाए हरिनाम संकीर्तन की जाए समवेत भक्त वृंद की जाए ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज हरे ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज हरे ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरंगा ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् नमो महावदन्याय
कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिष्वे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। आज और कोई भी आविर्भाव तिरुभाव है और किसी का है? श्री रूप गोस्वामी में। अच्छा, तो ये चैतन्य चरितामृत का एक यहाँ पे श्लोक मैंने लिखवाया है और ये है मध्य लीला चैतन्य चरितामृत अध्याय 19 श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा रूप गोस्वामी को उपदेश। तो ये श्लोक है, प्रिय स्वरूपे दैत स्वरूपे प्रेम स्वरूपे सहजाभिरूपे निजानुरूपे प्रभुरेख रूपे ततानुरूपे स्वबलास रूपे प्रिय स्वरूपे दैत स्वरूपे प्रेम स्वरूपे सहजाभिरूपे निजान रूपे प्रभुरेक रूपे ततान रूपे स्विलास रूपे प्रिय स्वरूपे दैत स्वरूपे प्रेम स्वरूपे सहजाभिरूपे निजान रूपे प्रभुरेक रूपे ततान रूपे स्विलास रूपे। माता जी, ओके, प्रिय स्वरूपे जिसके प्रिय मित्र शिल स्वरूप दामोदर गोस्वामी थे, जिनके प्रिय मित्र शिल स्वरूप दामोदर गोस्वामी थे, दैत स्वरूपे जो श्री चैतन्य महाप्रभु को अत्यंत प्रिय थे, प्रेम स्वरूपे उनके निजी प्रेम के स्वरूप को, सहज अविरूपे स्वाभाविक रूप से बहुत सुंदर थे, निज अनुरूपे जो पूरी तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांतों का अनुसरण करने वाले थे,
प्रभु हो श्री चैतन्य महाप्रभु एक रूपे एक रूप तताना बताया रूपे रूप गोस्वामी को स्विलास रूपे जो भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हैं। अनुवाद तात्पर्य नहीं है इसमें लेकिन अनुवाद में पढ़ रहा हूँ। श्रील स्वरूप दामोदर के प्रिय मित्र श्रील स्वरूप रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के हूबहू अनुकृति थे। हूबहू महाप्रभु जैसे दिखते थे। रूप गोस्वामी का चेहरा महाप्रभु से मिलता था बहुत। हाँ, और वे महाप्रभु का अत्यंत प्रिय थे। अत्यंत दैत्य स्वरूप है। दैत्य दैत्य और कहाँ आता है शब्द वार्ष भानवी दैत्य देवी दैत्य देवी नहीं वार्ष भानवी देवी दैत्यदास है ना। वार्ष भानवी दैत्यदास वार्ष भानी यानी कि श्रीमती राधा रानी के प्रिय कौन है श्री रूप मंजरी उनके सेवक हैं श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज। दैत्य मतलब प्रिय तो यहाँ पर इसी तरह से प्रिय है। यहाँ पर तो रूप मंजरी है ये तो वो दैत्य स्वरूप है और महाप्रभु के बहुत प्रिय हैं। चैतन्य महाप्रभु के बहुत प्रिय हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेम की साक्षात मूर्ति होने के कारण रूप गोस्वामी स्वाभाविक रूप से अत्यंत सुंदर थे। उन्होंने महाप्रभु द्वारा स्थापित सिद्धांतों का सावधानी से पालन किया और वे भगवान कृष्ण की लीलाओं को सही व्याख्या करने के लिए उपयुक्त व्यक्ति थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन पर इसलिए अपनी कृपा दृष्टि डाली ताकि वे दिव्य साहित्य की रचना करके सेवा कर सके। बहुत सुंदर। ये किसने लिखा था? ये लिखा गया था कवि कर्णापुर के द्वारा। तो कवि कर्णापुर ने श्रील रूप गोस्वामी की स्तुति की है जो कि यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में उद्धृत किया है। मध्य लीला चैतन्य चरितामृत में। तो आज श्रील रूप गोस्वामी का आविर्भाव दिवस है और उनका आविर्भाव हुआ 1493 में। लगभग 73 साल के लिए वो इस पृथ्वी में प्रकट रहे। 1566 में उनका तिरुभाव हुआ श्रावण मास की शुक्ल द्वादशी के दिन यानी कि 12वां दिन आज का दिन ब्राइट फोर्टनाइट। शुक्ल द्वादशी मतलब ब्राइट फोर्टनाइट की द्वादशी 12वें दिन। आज 12th डे है। कल एकादशी थी आज 12वां दिन है। तो इस तरह से आज के दिन श्रील रूप गोस्वामी का तिरुभाव हुआ। तो हमारे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में आविर्भाव भी मनाया जाता है तिरुभाव भी मनाया जाता है लेकिन तिरुभाव दिवस का और अधिक महत्व है क्योंकि वैष्णव आचार्य गण जो है अपने कार्यों को संपन्न करके अपने आने के उद्देश्य को पूरा करके वो भगवान की नित्य लीला में प्रवेश करते हैं। तो इसलिए आविर्भाव जैसे भगवान गीता में बता रहे कि जन्म से अधिक महत्वपूर्ण क्या है वास्तव में कर्म है। श्रील प्रभुपाद जी ने यही कहा। श्रील प्रभुपाद जी को किसी भक्त ने बोला प्रभुपाद जी अपने क्वार्टर्स में से देख रहे थे योगपीठ को मायापुर में तो शिष्य ने कहा कि प्रभुपाद फ्रॉम हियर वी कैन सी योगपीठ महाप्रभु जन्म स्थान। तो प्रभुपाद ने कहा यस दैट इज जन्म स्थान बट दिस इज कर्म स्थान। सो कर्म स्थान इज मोर इम्पोर्टेंट देन जन्म स्थान। तो इसलिए आचार्यों के द्वारा क्या क्या कार्य संपन्न किए गए वो बहुत महत्वपूर्ण है रादर देन कि भाई आप जन्म के बारे में चर्चा हो रही है कौन से फैमिली में थे जी कितने भाई थे। ठीक है वो भी अच्छी बात है वैष्णव परिवार में है तो वैष्णव का गुणगान उस तरह से भी किया जाता है लेकिन वैष्णव का वास्तविक गुणगान कब है जब उनके कार्यों के बारे में उनके गुणों के बारे में चर्चा हो और जिस उद्देश्य से आए थे उस उद्देश्य को पूरा किया। श्रील रूप गोस्वामी ने श्रील भक्ति सिद्धांत से ठाकुर ने कहा मैं तो आया था यहाँ पर श्रील रूप गोस्वामी की शिक्षाओं को प्रस्तुत करने के लिए कि लेकिन मेरा आधा जीवन तो इसी में बीत गया है मायावाद के जंगल को काटने में। इसलिए वास्तव में तो यहाँ पर बड़ा अच्छा यहाँ पर जैसे नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं। नरोत्तम दास ठाकुर क्या कह रहे हैं श्री चैतन्य मनोभीष्टम ये नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा लिखी हुई स्तुति है। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदामयम ददाति स्वपदांतिका। श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद मुझे कब अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे जिन्होंने इस जगत में भगवान चैतन्य को की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रचार अभियान की स्थापना की है श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से। तो और इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर बहुत सुंदर भजन लिख रहे हैं
श्री रूप मंजरी पदा सही मोरा संपदा सही मोर भजन पूजन सही मोरा भजन पूजन सही मोरा प्राण धना सही मोरा आभरना। बहुत सुंदर भजन रूप गोस्वामी के लिए नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा है। तो श्री रूप गोस्वामी के पचनों पर हमें चलना है क्योंकि हम सबको हम रूपानुग कहा जाता है। रूपानुग दास है ना, रूपानुग दास है राइट। तो रूपानुग दास, रूप गोस्वामी के अनुगत्य होना है हमें। तो रूपानुग का मतलब है श्री रूप गोस्वामी के अनुगत होना, उनकी शिक्षाओं के अनुगत होना। उनकी परंपरा में जो आचार्य गण हैं वो सब क्या है, श्री रूप गोस्वामी के अनुगत हैं। नमो भक्ति वृंदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगा वराय थे। तो रूपानुग में श्रेष्ठ हैं भक्तिनोद ठाकुर। तो आचार्य जो हैं वो रूप गोस्वामी की शिक्षाओं को स्थापित कर रहे हैं भूतल में। हाँ, श्रील प्रभुपाद जी ने अपने ग्रंथों के माध्यम से स्थापित किया पूरे पृथ्वी में श्रील रूप गोस्वामी की शिक्षाओं को। इसलिए प्रभुपाद जी भी क्या है, रूपानुगा वरायते हैं। रूप गोस्वामी के जो अनुगत हैं उनमें श्रेष्ठ हमारे श्रील प्रभुपाद जी हैं। तो इस तरह से हम श्रील रूप गोस्वामी के पचनों पर चल रहे हैं। श्रील रूप प्रभुपाद जी ने भी लिखा है उपदेशामृत के प्रारंभ में कि वी हैव टू फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ द सिक्स गोस्वामीज ऑफ वृंदावन। सो टेक्निकली वी आर कॉल्ड रूपानुगास, रूपानुग गौड़िया वैष्णव है हम लोग। तो 1514 की बात है, चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी नीलाचल से वृंदावन जा रहे थे। चैतन्य चरितामृत में इस प्रकार से वर्णन आता है। और महाप्रभु को झारखंड से जाना था वृंदावन की ओर, लेकिन झारखंड से जहाँ जाकर महाप्रभु अब गौड़ देश की तरफ मुड़ लिए, गौड़ देश में अपना रास्ता बदल लिए गौड़ देश की तरफ चैतन्य महाप्रभु। ऐसा क्यों किया, जाना था उनको वृंदावन क्योंकि महाप्रभु अपने प्रिय भक्तों का दर्शन करना चाहते थे। भगवान भी अपने भक्तों का दर्शन करने के लिए जाते हैं, भक्त तो भगवान का दर्शन करने मंदिर आते हैं, लेकिन उन शुद्ध भक्तों का दर्शन स्वयं भगवान दर्शन करने जाते हैं। जैसे महाप्रभु प्रत्येक दिन जाते थे हरिदास ठाकुर की भजन कुटीर में, वहाँ पर हरिदास ठाकुर का दर्शन करने के लिए, श्री रूप गोस्वामी का दर्शन करने के लिए, या फिर श्री सनातन गोस्वामी का दर्शन करने के लिए महाप्रभु निकल के आते थे। वो नहीं मंदिर आ रहे हैं, आप मंदिर नहीं आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम आपके पास आए। उतना प्रेम होना चाहिए, लेकिन हमें नहीं देखने आएंगे, हमें तो देखने जाना पड़ेगा। सोचे कि भाई हाँ, मंगल आरती माने की आवश्यकता नहीं है, रुक्मणी द्वारका दीज हमें देखने आएंगे कि उठे क्यों नहीं। वैसे हमारे शिला जयपता का महाराज बता रहे थे, ये मत सोचना कि ये विग्रह जयमल मंदिर के ही प्रांगण में है या वेदी में ही है, वो मंदिर के हर कोने में जाते हैं, हर कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि क्या कर रहे हैं ये भक्त। गौर नेता आई गोस टू ईच एंड एवरी रूम, महाराज बोल रहे थे जयपता का महाराज। सो डोंट थिंक दैट दे आर जस्ट स्टैंडिंग हियर, दे आर गोइंग इन ईच एंड एवरी रूम एंड दे आर सेइंग ओ व्हाट इज ब्रह्मचारी इज डूइंग, कौन से चैनल में जा रहा है। anyway, तो इस तरह से जो है महाप्रभु निकल पड़े थे, अब वो गौड़ देश की तरफ मुड़ लिए। और आकर्षण क्या था, किसको देखना था, दो महानुभाव महापुरुष माँ भागवत, अमर देव और संतोष देव, उनका नाम था बचपन का नाम अमर देव और संतोष देव। और अमर देव ही बाद में सनातन गोस्वामी बने और संतोष देव बने श्रील रूप गोस्वामी। तो वहाँ पर पहुँचे थे और ये अमर देव संतोष देव जो हैं अभी नवाब हुसैन शाह के राज्य में कार्यरत थे। अमर देव साकर मल्लिक के नाम से जाने गए थे, साकर मलिक मतलब प्रधानमंत्री, एक टाइटल है, नाम नहीं है, साकर मलिक दबीर खास प्राइवेट सेक्रेटरी फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री श्रील रूप गोस्वामी, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री, हाँ प्राइवेट सेक्रेटरी टू द क्या है किंग नवाब हुसैन शाह, क्या ऊंचे पद पे थे। लेकिन वहाँ कहाँ रहते थे, वो रामकेली में रहते थे
और वहाँ पे यमन राजा के अधीन होकर रहना पड़ा उनको कई कारणों से, क्योंकि उनको भय था। भय क्या था कि नवाब जो है ब्राह्मणों को वैष्णवों को तंग करेगा, मंदिर तोड़ डालेगा, विग्रहों को नष्ट कर देगा। तो अच्छा है कि इसकी बात सुन लें, क्योंकि नवाब हुसैन शाह चाहते थे कि ये दो बुद्धिमान वैष्णव जो हैं हमारे राज्य में रहकर हमारा सहयोग करें और मंत्री का कार्यभार स्वीकार करें, पद स्वीकार करें। ऐसा वह नवाब हुसैन चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने हाँ कर दिया ब्राह्मणों और वैष्णों की और मंदिरों की रक्षा के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु जब राम के लिए पहुँचे तो पता चल गया इनको, क्योंकि वो ही रहते थे, और रातों रात पहुँच गए महाप्रभु का दर्शन करने के लिए। और महाप्रभु से मिलने के लिए जब पहुँचे तो बोले, महाप्रभु अब इस संसार में रहना नहीं चाहते हम, कृपा करके हमें इस बंधन से मुक्त करिए, बहुत हो गया, अब हमसे यह रहा नहीं जाता है, आप हमें अपनी शरण में रह लीजिए। और इससे पहले भी कई चिट्ठियाँ लिखी थी श्री रघु गोस्वामी ने, श्री सनातन गोस्वामी ने, महाप्रभु को हमें यहाँ से निकालिए, निकालिए महाप्रभु, रिलीज़ करिए हमें इस बंधन से, बहुत बड़ा बंधन है ये। अगर प्रधानमंत्री ऊंचे पद का व्यक्ति अगर आसक्त हो जाए अपने स्वजनों पे, तो उन स्वजनों के लिए बड़ी दिक्कत है, छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। और प्रधानमंत्री जो हैं से बड़े आसक्त थे नवाब हुसैन शाह सनातन गोस्वामी से, रूप गोस्वामी से, क्वालिफाइड लोग होते हैं अगर आपके आसपास, टैलेंटेड लोग होते हैं, और तो उनको छोड़ना मुश्किल है, राइट? तो चैतन्य महाप्रभु ने कई बार चिट्ठी में उत्तर दिया था कि कृष्ण आपका जल्दी उद्धार करेंगे, चिंता न करें, अभी आप सांसारिक कार्य में लगे रहें, राज्य का कार्यभार देखें, चिंता न करें, समय आने पर जो है आपको कृष्ण बुला लेंगे, व्यवस्था कर देंगे आपके लिए। जय हो। तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से एक स्त्री अपने जार पति का चिंतन करती है घर के सारे कार्यों को करते हुए, उसी तरह से आप नवाब के साथ राज्य का कार्यभार करते हुए कृष्ण का चिंतन करते रहो। ये उदाहरण दिया चैतन्य महाप्रभु ने चिट्ठी में। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, बड़ा सुंदर श्लोक है ये, परे बसनी नारी व्यग्रापि गृह कर्मशु। फिर क्या बोले, तदेव आस्वाद्य अत्यंतर अत्यंतर नवसंग रसायनम। तो इस तरह से, तो जारपति का जिस तरह से स्त्री चिंतन करती है घर का सारे कार्य करते हुए, उसी तरह से आप जो है क्या करो, चिंतन करो, कृष्ण का चिंतन करो, सब कार्य करते हुए, राज्य का कार्यभार करते हुए, नवाब के पास रहकर अपने कर्तव्य को निभाते रहो, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा, चिंता ना करो, इच्छा बनाए रखो बस कि जल निकलना है हमें यहाँ से, इस संसार से बाहर निकलना है, इच्छा रखिए, इच्छा रखना बहुत जरूरी है। घर का सारे कार्य करते हुए इच्छा रखिए कि भगवान के पास जाना है। अगर इच्छा रखेंगे भगवान के पास जाना है जीवन के अंतकाल में, जीवन के अंतकाल में क्या उससे पहले, तो कृष्ण व्यवस्था करेंगे आपके लिए। कृष्ण बोलेंगे जब भगवान बुलाएंगे, अरे भगवान तो बुला ही रहे हैं। ऐसे बोला था किसी ने, प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद लोग अक्सर बोलते हैं कि हम उनके पास जब भी जाते हैं मंदिर के लिए निमंत्रण देते हैं, मंदिर आइए मंदिर आइए, लेकिन वो हम क्या कहें उनको, उनको बोलिए भगवान बोल तो रहे, निमंत्रण दे तो रहे, तभी तो आए आपके पास। सर्वधर्मान प्रत्यज मामेकम शरणम व्रज, सभी धर्मों को त्याग कर मंदिर आओ। ये निमंत्रण तो दे रहे हैं भगवत गीता में भगवान, कितनी बार निमंत्रण देंगे आपको, आपको अलग से कार्ड भेजेंगे क्या, VIP कार्ड? तो इस तरह से इस बात को हमें बड़ी गहराई से समझना है कि भगवान क्या चाहते हैं हमसे, उनकी इच्छा क्या है। तो ये रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी बोले कि महापुरुष जब राम के लिए मिले, आपके चरणों का आश्रय दीजिए हमें, चरण कमलों का, बस हम आपके पास आना चाहते हैं। तो महापुरुष ने दोनों को उठाया, आप चिंता ना करो, आप लोग दोनों, आप लोग बहुत चिंता कर रहे हो, दिन रात मेरे बारे में सोचते रहते हो, चिंता बहुत कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि आप सब दोनों के दोनों नित्य पार्षद हैं, आप नित्य परिकर हैं भगवान श्री कृष्ण के, इसलिए चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत जल्दी वो आपको अपनी सेवा में लगाने वाले हैं। और आज से, आज होते दुहार नाम रूप सनातन, हाँ चलो आपका नामकरण भी कर देता हूँ, ये क्या दबीर खास सागर मल्लिक और ये सब
ठीक है वो पद है तो आपको हम नामकरण कर देते हैं आपका। महाप्रभु ने सीधा उनको नाम दे दिया। हाँ क्या बोले, आज होइते दुहार नाम रूप सनातन। तो इस तरह से अमर देव का नाम पड़ गया सनातन गोस्वामी और संतोष देव का नाम पड़ गया श्रील रूप गोस्वामी। तो इस तरह से मध्य लीला में इस प्रकार से महाप्रभु बता रहे हैं श्रील रूप गोस्वामी और श्रील सनातन गोस्वामी को। और मैं तो सिर्फ इतना बताने आया था आपको, महाप्रभु बोले कि आप लोगों का जो है उद्धार होना निश्चित है, यही बताने के लिए मैं आया था। मैं तो जा रहा था वृंदावन, झारखंड के रस्तों से निकलना था मुझे, लेकिन क्या है कि मैं इधर आ गया, आप लोगों के लिए आया मैं। ध्रुव महाराज को देखने गए भगवान, बोले कि आप महारूप गोस्वामी महाप्रभु से पहली बार कब मिले थे बताइए, प्रयाग में महाप्रभु रूप गोस्वामी से पहली बार कब मिले थे, राम के लिए। दोनों उत्तर सही है, महाप्रभु रूप गोस्वामी से कब मिले थे, राम के लिए में। रूप गोस्वामी महाप्रभु से पहली बार कब मिले थे, प्रयाग। तो बात तो वही है लेकिन प्रस्तुत करने का तरीका अलग अलग है। तो यहाँ पर महाप्रभु श्रील रूप गोस्वामी का दर्शन करने आए थे और बाद में रूप गोस्वामी महाप्रभु का दर्शन करने गए थे प्रयाग में, यह अंतर है। तो इस प्रकार से क्या होता है, आदान प्रदान होता है भक्त और भगवान में। ये मत सोचे कि हम ही भगवान का दर्शन करने आ रहे हैं। अगर आप प्रत्येक दिन भगवान का दर्शन करोगे जीवन भर श्रद्धा से प्रेम से, तो अंत काल में भगवान आपका दर्शन करने आएंगे। हृदय में प्रेम होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, ये आवश्यक है। तो इस तरह से फिर जो है ये आगे बढ़ेंगे। तो फिर इस तरह से लिखा गया है, भागवत में भी लिखा है, श्रीमद् भागवत के ध्रुव महाराज के प्रसंग में, मधुर वर्णम वृत्त्य दीक्षा गतः, मधुर वन में गए भगवान श्री नारायण ध्रुव महाराज का दर्शन करने के लिए। वैकुंठ से भगवान श्री नारायण अवतरित हुए हैं, मधुवन में गए। चलो इस बहाने भगवान नारायण भी वृंदावन गए, नहीं तो वो तो वैकुंठपति हैं, वृंदावन में आना जाना तो कम होगा उनका। अब क्या है, भक्त क्योंकि वृंदावन में तपस्या कर रहा था तो वैकुंठ से उनका वृंदावन गमन हो गया। देखिए ये भी भक्तों की कृपा है, कृपा नहीं कहना चाहिए, है तो भगवान की कृपा ही, लेकिन भक्तों के लिए भगवान वैकुंठ से वृंदावन भी चले जाते हैं अपने भक्तों का दर्शन करने के लिए। तो ये पॉइंट है। तो इस तरह से भक्त कहीं भी कहीं से भी कहीं ले जा सकते हैं आप। और श्रील जी गोस्वामी ने लघु वैष्णव तोषणी में श्रील रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी की वंशावली दी है। तो ये मैं बता रहा था कि वंशावली और ये सब ठीक है, बट ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। क्या महत्वपूर्ण है कि एक्चुअली श्रील रूप गोस्वामी ने क्या किया, कितने ग्रंथों की रचना की, क्या क्या सेवाएं की जो महाप्रभु ने उनको दिया, वो महत्वपूर्ण है। जैसे आपका जीवन, आपका पूर्वाश्रम पूछे हम, कहाँ थे, क्या करते थे आप, कौन सी नौकरी करते थे, नहीं किसकी चापलूसी करते थे, कितना पैसा खाया आपने, क्या क्या किया आपने बचपन से, कौन से स्कूल में पढ़े, कौन से कॉलेज में गए, सो इम्पोर्टेंट। महत्वपूर्ण क्या है कि वास्तव में आपने चार नियम कितनी बार तोड़ा, वो आपने आप दोबारा नहीं करना यहाँ भक्तों के संग में आकर, वो महत्वपूर्ण बात। तो इस तरह से सर बताया गया लघु वैष्णव तोषणी में कि कर्नाटक के एक राजा थे, उनका नाम था सर्वज्ञ जगत गुरु, और उनके एक पुत्र थे जिनका नाम था महाराज अनिरुद्ध, राजा अनिरुद्ध। अनिरुद्ध के दो पुत्र थे रूपेश्वर हरिहर। अब हरिहर ने क्या किया, उसने जो है अपने भाई से राज्य छीन लिया, राज्य हड़प लिया। जैसे औरंगजेब ने क्या किया, अपने भाइयों को मार दिया, पिता को अंदर डाल दिया जेल में और राज्य हड़प लिया, इसी तरह से यहाँ पे हरिहर ने जो है क्या कर दिया, और रूपेश्वर का जो राज सिंहासन है उसको छीन लिया और रूपेश्वर को वहाँ से जाना पड़ा। वो अपने मित्र के पास चले गए और शिखर में, उनके एक मित्र थे उनका नाम था शिखरेश्वर, और रूपेश्वर वहाँ चले गए और उनके पास जाके रहने लगे। और उनके एक पुत्र थे पद्मनाभ, पद्मनाभ जो है बड़े विद्वान व्यक्ति थे, यजुर्वेद में उपनिषदों में बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे। और पद्मनाभ जो हैं उनकी बड़ी इच्छा हुई कि वो जाकर रहे बाकला चंद्रद्वीप में, गंगा जी के तट पर रहकर वहाँ जाके भजन इत्यादि करें, और वहाँ जाके वो रहने लगे। और तो बाकला चंद्रद्वीप में गए थे, वहाँ एक राजा थे,
वो राजा का नाम बताया गया है धनुज मर्दन। तो महाराज धनुज मर्दन के निमंत्रण में पद्मनाभ जी वहाँ पे बाकला चंद्रदीप में गए, गंगा जी के तट पर जाके रहने लगे। और उनके पांच पुत्र थे। पांच पुत्र कौन कौन थे? ये पांचों पुत्रों में से वो हैं कौन कौन है, पुरुषोत्तम, जगन्नाथ, नारायण, मुरारी। और जो तो मुरारी हैं उनके पुत्र हुए कुमारदेव। कुमारदेव के पुत्र हुए कौन? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, अनुपम गोस्वामी। और भी कई पुत्र संतानें थी, लेकिन तीन प्रमुख वैष्णव आचार्य हैं जो बहुत प्रचलित हैं गौड़िया वैष्णव समाज में, हमारे वैष्णव समाज में। तो इस तरह से कर्नाटक के सारस्वत ब्राह्मण परिवार के थे। तो इस तरह से कई जो वैष्णव आचार्य दक्षिण भारत से गौड़ देश की तरफ गए, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जी गोस्वामी, सब वही गए। तो इस तरह से तो कुमारदेव के कई पुत्र थे, उसमें से तीन प्रमुख पुत्र थे। और शिक्षा कहाँ प्राप्त हुई उनको? तो सनातन गोस्वामी के जो दादाजी थे यानी कि मुकुंददेव, वो बड़ा ध्यान रखते थे। वो नवाब हुसैन शाह के राज्य में कार्यरत थे और उस समय मुकुंददेव रामकेली में रहते थे। और रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को उन्होंने जो है कहाँ भेजा था? रामकेली भेजा था अध्ययन के लिए, शिक्षा के लिए। और उस समय उनके जो पुत्र थे मुकुंददेव के पुत्र कुमारदेव, वो रहते थे बाकला चंद्रद्वीप में। और उस समय के बाद कुमारदेव की मृत्यु हो गई, यानी कि दादाजी थे अभी, मुकुंददेव तो थे लेकिन कुमारदेव की मृत्यु हो गई। और मुकुंददेव जो है रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को राम के लिए लेकर आए थे आगे और शिक्षा विक्षा देने के लिए। तो सबसे पहले उनको शिक्षा प्राप्त हुई थी रामभद्र वाणी विलास से, सबसे पहले शिक्षा प्राप्त हुई थी। और उसके बाद उनको नवदीप भेजा गया था उच्च शिक्षा के लिए, और वहाँ रहकर उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य से न्याय सीखा था, न्याय शास्त्र। न्याय शास्त्र सीखने के बाद उनके जो भाई थे विद्यावाचस्पति, उनसे भी उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। और इस तरह से जो है बहुत ही कम समय में वैदिक शास्त्रों में, उपनिषदों में, पुराणों में, वेदांत दर्शन में क्या हो गए, दक्ष हो गए, एक्सपर्ट बन गए शास्त्रों में। और उसके बाद फिर व्याकरण इत्यादि, संस्कृत व्याकरण इत्यादि। और क्या था उन दिनों, लेकिन अब पूरा सरकार जो चलती थी, यमुनों का राज्य था तो अरबी, फारसी, उर्दू ये सब चलता था, तो ये भी सीखना बहुत ज़रूरी था। उस समय की मांग ये थी, जैसे अंग्रेज़ों के ज़माने में अंग्रेज़ी सीखना ज़रूरी था, इसलिए हम सभी अंग्रेज़ बन गए फिर, है कि नहीं? तो उस समय ये सब सीखना होता था, अरबी, फारसी और। तो फिर इसलिए मुकुंददेव ने क्या किया, रूप सनातन गोस्वामी को सप्तग्राम भेजा। सप्तग्राम भेजकर वहाँ पर एक मुल्ला थे, फखरुद्दीन जी उनके मित्र थे, और फखरुद्दीन ने एक मुल्ला को नियुक्त किया था। उनके मार्गदर्शन में अरबी फारसी भाषा भी सीख ली उन्होंने, कि उन्होंने सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी ने। देवर सो लर्नड, बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े स्कॉलर। तो इस प्रकार ये उनके बारे में, उनके वंशावली के बारे में बताया जा रहा है, उनके शिक्षा और उनके जन्म के बारे में कुछ जानकारी आपको हमने दी। और उसके बाद फिर बताया जा रहा है सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी आप बहुत निजी सेवक बन गए, कार्यरत हो गए, राज्य का कार्यभार देखने लगे नवाब हुसैन शाह के राज्य में। और क्योंकि वहाँ रहते हुए उनको जो है फिर उन्हीं की तरह वस्त्र भी पहनने पड़ते थे, उन्हीं की तरह वेशभूषा भी पहनना पड़ता था, और अधिकांश लोगों की बोलचाल होती थी वो अरबी, फारसी, उर्दू भाषा में होती थी। लेकिन सायंकाल में वो अपनी असलियत में वापस आ जाते थे। ये भक्त जो है किस तरह से होता है, उसी वानर की तरह। तो वानर की कथा जानते हैं, मगरमच्छ और वानर? नहीं पता? तो मगरमच्छ ने कहा वानर को, वो वृक्ष के ऊपर बैठा था, तुम इधर ही बैठे रहते हो, तुम्हें घूमने का मन नहीं करता, चलो मेरे पीठ में बैठ जाओ, मैं तुम्हें घुमा के लाऊं। चलो फिर वानर सोचा बड़ा अच्छा मौका भैया घूमने का, चलो घुमाते हैं। मगरमच्छ के पीठ में बैठ गया, मगरमच्छ थोड़ा दूर गया और वहाँ जाके कहने लगा, मिस्टर मंकी, आज ना मुझे बड़ी भूख लगी है, आज मैं अपने परिवार के साथ फीस्ट खाऊंगा,
जानते हो फीस में क्या है? तुम्हारा कलेजा। तो वानर बड़ा चिंतित हो गया, भैया ये तो भैया मैं तो मौत के मुंह में आ गया, मुझे क्या पता इसने बेवकूफ बनाया मुझे, मैं उसको अभी बेवकूफ बना। उन्होंने कहा मिस्टर मगरमच्छ, आप मुझे खाना चाहते मेरे कलेजे को, मुझे पहले बताना चाहिए था आपको, मैं वहां वृक्ष पे छोड़ आया, पहले बताते उसी समय लेके चलता कलेजे को, कलेजे तो वहीं रह गया। प्रभुपाद जी ने सुनाया स्टोरी, तो कलेजा लेने वापस गए, मगरमच्छ ने वहां तट पे ले गया, सरोवर के तट पे ले गया, और वो वानर जी बड़े चतुर थे, छलांग मारे उछले और सीधा वृक्ष की टहनी में पहुंच गए। हरी बोल, और वानर बोले, वानर ने कहा नो कलेजा के हरे कृष्ण। तो यह है बुद्धि। उसके बाद मगरमच्छ के पास कितनी शक्ति है, लेकिन क्या वानर के पास बुद्धि के कारण से जो है उसको बुद्धू बना दिया। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, क्या मोरल है ये, आप जाओ प्रचार में लेकिन कलेजा देखे मत आना। मुस्कुराना जरूर लेकिन हार्ट मत देना। हार्ट कहाँ देना है? आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन। अपना हृदय कहाँ पे छोड़ के आना है? वृंदावन में छोड़ कर आओ और बाकी पूरे संसार के सामने मुस्कराते रहो। तो इस तरह से ये दिस इज अ वे टू प्रीच, है ना। जैसे ओंगली लापुर मुस्कराते हैं सबके सामने, हंसते मुस्कराते रहते हैं, लेकिन दिल किसी को नहीं देते हैं, अपने कलेजा किसी को नहीं देते। तो इस तरह से समझने के लिए बता रहा हूं। असली तो ये जाने। एनीवे लेट्स वेलकम बैक टू रूप गोस्वामी। तो रूप गोस्वामी फिर जो है वहां पर, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी वहां पर रामकेली में आते और सायंकाल में नहा धोकर अपना जो है दैनिक क्रिया करके, दिनचर्या का जो भी नियम है वो सब करने के बाद बैठ जाते शास्त्रों का अध्ययन करने, जप करने, ध्यान लगाने, लीला स्मरण करने के लिए। और रामकेली में सनातन गोस्वामी ने बहुत सारे कुंड बनवाए, ये सब लिखा है भक्ति रत्नाकर में दिया गया है, कौन कौन से कुंड बनवाए, सनातन सागर, रूप सागर, श्याम कुंड, राधा कुंड, ललिता कुंड, विशाखा कुंड, सुरभि कुंड, रंगदेवी कुंड, इंदुलेखा कुंड, और कदम्ब वृक्ष, वहाँ पे कदम्ब वृक्ष भी लगाया, उस कदम्ब वृक्ष के नीचे बैठकर ये लीलाओं का स्मरण करते थे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी। तो ये सब सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी के द्वारा बनाया गया। रामकेली कहाँ है? बंगाल, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर में, वहाँ पर वो कारागार वहाँ पर ही है जहाँ सनातन गोस्वामी को कैद किया गया था। तो बहुत पावरफुल प्लेस है वो, भजन का स्थान है सनातन गोस्वामी का, रूप गोस्वामी का वो। तो इस तरह से फिर बहुत समय बीत गया और नवाब हुसैन शाह, अब उसने आक्रमण शुरू कर दिया उड़ीसा के ऊपर, बड़े बड़े मंदिर तोड़ डाले, विग्रहों को नुकसान पहुँचाया, बड़ा चिंता का विषय बन गया रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के लिए। उन्होंने ये सोचा कि भैया तो हद हो गई, एक तो भैया इसके कहने पर हम लोग जो है इसकी सेवा में लगे हैं, इसकी नौकरी कर रहे हैं ताकि ये शांत रहे, लेकिन ये अपनी औकात पे आ गया, देखो फिर से अब मंदिर तोड़ने में लगा हुआ है, नुकसान पहुंचा रहा है इतना, और अब हम इसकी सेवा करें, लानत है हमारे ऊपर, हम नहीं करेंगे इसके पास अब नौकरी, और बहुत हो गया मजाक। तो इस समय ये वो समय था जब महाप्रभु राम के लिए आए थे, महाप्रभु इसी समय आए थे राम के लिए, जब नवाब हुसैन शाह ने जो है, नवाब हुसैन शाह जरासंध के अवतार है, जानते हैं हम गौर लीला में भगवान कृष्ण की लीला में जरासंध है नवाब हुसैन शाह। और तो नवाब हुसैन शाह जो है इस प्रकार उसी समय महाप्रभु आए थे, राम के लिए आए थे और रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी से मिले थे। तो इस तरह से बहुत हो गया करके अब वो बहुत परेशान हो गए, बहुत चिंता में पड़ गए। अब रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने क्या किया, उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया और वहाँ पर उन्होंने पुरुष शरण व्रत रखा। पुरुष शरण व्रत, बहुत सारे व्रत हैं, पुरुष शरण व्रत में क्या होता है कि ये ऐसा व्रत है जिसमें बेसिकली बहुत लंबे समय तक मंत्र का उच्चारण किया था, लगातार जप कर रहे हैं, जैसे 16 घंटे, 20 घंटे, 22 घंटे नॉन स्टॉप पुरुष शरण व्रत, ऐसे एक व्रत रखा था, शायद वही पुरुष शरण व्रत ही था, और किसी ने रखा था राधा कुंड के पास,
और उसको बताते हैं 18वें दिन में जो है रंभा आती है अप्सरा आपकी परीक्षा लेने के लिए, और उस दिन अगर आप बच गए तो आपकी जो इच्छा होगी वो इच्छा पूरी होगी। बहुत टफ है वो ऑस्टेरिटी। सूर्यकुंड में एक बाबा है, उन्होंने रखा था पुरुषोत्तम व्रत और उनकी इच्छा हुई थी सूर्यकुंड में निवास करने की धामवास, तो उनकी इच्छा पूरी हुई। तो कहते 18वें दिन में आई थी रंभा, ले लो अपनी झोली, ये माला ले लो, सब ले लो, बहुत हो गया, चलो हम भी चलें आपके साथ कर लो, हमें नहीं करना पुरुषोत्तम व्रत। तो इसलिए अधिकांश जो साधक होते हैं फिसल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं विरलित। पुरुषोत्तम व्रत रखा इस तरह से जो है, पुरुषोत्तम व्रत रखने के बाद और उनकी इच्छा जो और बढ़ गई उनकी, अब महाप्रभु के पास जाने के लिए, उन्होंने कहा कि बहुत हो गया यहाँ राम के लिए में, बहुत हो गया नवाब हुसैन शाह के पास जाकर, उनके सब पास जाके कार्य करने से हम लोग जो हैं और ज़्यादा दुखी होते जा रहे हैं, अब हमें यहाँ से निकलना है। निकलने की तैयारी कर लिया वो उन्होंने। अब रूप गोस्वामी जो है, और रूप गोस्वामी और महाप्रभु के बीच में जो है चर्चा चल रही है। अब रूप गोस्वामी को सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं। सनातन गोस्वामी ये कह रहे हैं कि देखो ऐसा है रूप, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा हो गया है, अब हमें यहाँ से जाना होगा। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये प्रधानमंत्री का पद त्याग दूँ और बस महाप्रभु की शरण में चला जाऊँ। और तो इस तरह से, लेकिन जब रूप गोस्वामी ने सुना तो रूप गोस्वामी कहने लगे, वो महाप्रभु सनातन गोस्वामी तो ये कह रहे थे रूप गोस्वामी से कि मैं तो आपको देखो बड़ा भाई हूँ, है ना, और अच्छा है कि मैं पहले चले जाऊँ, और आपका जितना भी कार्य है जो अभी रहेंगी, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ रह गई हैं, उन जिम्मेदारियों को आप निभा लो, क्योंकि आपका भी घर का भी ध्यान रखना है, परिवार का भी ध्यान रखना है, उनको भी सेटल कर लो, फिर आप भी वापस आ जाना, बाद में आ जाना आप, मैं अभी छोड़ के निकल जाता हूँ, ऐसा मैंने सोचा है। तो रूप गोस्वामी बोले, मुझे इसके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप बड़े हैं, आप मेरे बड़े भाई भी हैं, आप गुरु तुल्य हैं, मैं हमेशा आपको अपने गुरु के रूप में देखता हूँ, लेकिन देखा जाए तो आपकी जिम्मेदारी मुझसे कहीं अधिक है। आप विदेश के प्रधानमंत्री हैं और नवाब हुसैन शाह आपके पर बहुत निर्भर है, युद्ध का समय है, युद्ध शुरू हो गया है, अगर आप पहले जाएंगे या पहले निकल जाएंगे तो संभावना है कि वो बहुत नुकसान पहुँचाएगा, हमारे परिवार को भी नुकसान पहुँचाएगा, ब्राह्मणों वैष्णवों को बहुत तंग करेगा, अभी तो केवल मंदिर ही तोड़ रहा है, बाद में फिर ब्राह्मणों और वैष्णवों को भी बहुत तंग करेगा, हमारे परिवार के लोगों को भी तंग करेगा, तो इससे अच्छा ये है कि सबसे पहले मैं जाऊं, सबसे पहले मैं जाऊं और जाके सारी व्यवस्था कर लेता हूं मैं, और हमारी जो जिम्मेदारियां हैं उसको पूरा कर लेते हैं, फतेहबाद में या जहां भी है वहां भेज देंगे अपने परिवार के लोगों को जो हमारे ऊपर निर्भर हैं, उनको अलग अलग स्थानों में भेजकर परिवार की जो जितनी भी आवश्यकता है उसको पूरा करके, उसके बाद फिर जो है मैं निकलूँगा महाप्रभु के पास, और जब सब ठीक हो जाएगा तो आप भी आ जाएगा। तो सनातन गोस्वामी ने कहा ठीक है, अगर आप ये कहें आपका आपकी ये इच्छा है तो ठीक है, मैं इस बात से सहमत हूँ, आप पहले चलो। तो इस तरह से रूप गोस्वामी के पास जब उन्होंने नवाब हुसैन शाह के कार्य बार को छोड़ा था, उस समय रूप गोस्वामी के पास लगभग 22 लाख सोने की मुद्राएं थी। कितनी मुद्राएं थी? 22 लाख सोने की मुद्राओं से तो ये मंदिर बन जाएगा आपका आराम से। सोने की मुद्राएं, हाँ कई मंदिर बन जाए हैं, तो इतना धन था इनके पास। त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडलपति श्रेणीं सदा तुच्छवत् भूत्वा दीन गणेश कौ करुणया कोपी न कंथाश्रितो राधा कृष्ण क्या गोपी भाव रसामृताब्दुलहरी कल्लोल मग्नौ मुहुर् वंदे रूप सनातनौ रघुयुगो श्रीजीव गोपालको। तो ये त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडलपति, मंडलपति मतलब मिनिस्टरशिप, ऊंचे ऊंचे पद, ये सब त्याग दिया उन्होंने, तुच्छ समझ के त्याग दिया, और किसका आश्रय लिया? कोपीन कंथाश्रितौ। देखिए कितना बड़ा त्याग है, महाप्रभु से प्रेम होने के कारण, चैतन्य महाप्रभु से प्रेम होने के कारण ये विराग उत्पन्न हुआ है उनके अंदर। और उसके बाद फिर रूप गोस्वामी ने क्या किया, कुछ अपने जो निर्भर थे उनके
उनको चंद्रद्वीप भेजा और कुछ को फतेहबाद भेजा, और उन्होंने अपने धन को किस तरह से डिवाइड किया बताया। 22 लाख जो सोने की मुद्राएं थी 50% वैष्णव को दे दिया। देखिए ऐसे करना चाहिए हम सबको भी, जो विशेष रूप से गृहस्थ आश्रम है, 50% मंदिर में दे दो, कितना मंदिर जल्दी बन जाएगा सोच के देखिए। नहीं, और 25% दे दो। आप सोच रहे हैं भैया कैसे दे सकते हैं, आज के इनकम टैक्स GST में इतना पैसा चला जाता है, 50% मंदिर में देंगे तो हम खाएंगे क्या? तो 50% आप उन्होंने ब्राह्मण और वैष्णव को दे दिया, 25% अपने परिवार वालों को दिया। फैमिली के लिए कितना? वेरी प्रैक्टिकल, ऐसा नहीं बोल रहे कि कुछ दिया नहीं, 25% दिया। और 25% इमरजेंसी के लिए रखा उन्होंने ब्राह्मणों और वैष्णवों के लिए, ट्रस्ट बढ़ती जो ब्राह्मण से, उनके लिए 25% इमरजेंसी के लिए रखा। और 10,000 सोने की मुद्राएं रखी एक व्यापारी के पास, मुनीम के पास, क्योंकि उनको पता था सनातन गोस्वामी को अगर आगे आना होगा, निकलना होगा, नवाब हुसैन शाह के राज्य से निकलना आसान नहीं होगा सनातन गोस्वामी के लिए, कैद कर लेगा नवाब, तो इसलिए 10,000 सोने की मुद्राएं उनके लिए रखवाएं। तो ये सब कितना प्लानिंग, कितने इंटेलिजेंट है हमारे आचार्य, देखो वेरी वेरी इंटेलिजेंट। तो फाइनेंस में भी बड़े एक्सपर्ट थे वो लोग, हर चीज में एक्सपर्ट थे, ऐसे नहीं केवल माला ही करते रहते, हर चीज में दक्ष थे। तो इस तरह से फिर उसके बाद फतेहबाद पहुंचने के बाद रूप गोस्वामी ने किसी एक व्यक्ति को भेजा था नीलाचल, ये पता लगाने के लिए कि महाप्रभु नीलाचल में है या और कहीं तो नहीं चले गए हैं। तो पता चला कि महाप्रभु वृंदावन की ओर निकल पड़े हैं झारखंड के रास्ते से, महाप्रभु झारखंड के रास्ते से वृंदावन की ओर निकल पड़े हैं, और उनके छोटे भाई अनुपम गोस्वामी या वल्लभ वो भी साथ में उनके गए हैं। नहीं मतलब महाप्रभु गए हैं तो इन्होंने भी विचार किया, अनुपम और वल्लभ उनके जो छोटे भाई थे रूप गोस्वामी के, उनके साथ उन्होंने भी सोचा कि हम भी चलेंगे फिर वृंदावन, वहीं चलते हैं हम लोग भी, वो झारखंड के रास्ते गए, हम भी झारखंड के रास्ते से चले जाएंगे वृंदावन पहुँचेंगे। जब प्रयाग पहुँचे, रास्ते में प्रयाग आ गया, तो प्रयाग जब पहुँचे वहाँ पर तो पता चला कि महाप्रभु जो हैं वो वापस आ गए हैं वृंदावन से, वृंदावन से वापस आ चुके हैं प्रयाग, और प्रयाग अगर बिंदु माधव मंदिर में वहाँ पर उनका नर्तन गायन हो रहा है, संकीर्तन कर रहे हैं, और हजारों हजारों भक्त जो हैं चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन को देखने के लिए इकट्ठे हुए हैं वहाँ पर। तो ये भी गए वहाँ पर, दर्शन किया बिंदु माधव का। उस समय उनसे बातचीत तो नहीं की महाप्रभु से, क्योंकि वो तो भाव वेश में नृत्य कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। तो उसके बाद एक ब्राह्मण थे, दक्षिण भारत के एक ब्राह्मण थे, वहाँ दक्षिण भारत के ब्राह्मण के घर में रुके थे महाप्रभु। तो वहाँ गए थे रूप गोस्वामी और अनुपम गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु को देखकर ही रूप गोस्वामी अनुपम गोस्वामी ने साष्टांग दंडवत कर दिया, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया महाप्रभु को। महाप्रभु ने जैसे ही देखा रूप गोस्वामी और अनुपम गोस्वामी को, देखते उन्होंने ये श्लोक कोट किया। क्या श्लोक है? नामे भक्ता चतुर्वेदी मद भक्ताम स्वच्छ प्रियाम तस्मै देयम ततो ग्राह्यम सच पूज्यो यथाहम। कहने का मतलब है अगर कोई ब्राह्मण है उसने चार वेद भी पढ़ लिए हैं, वैदिक शास्त्रों को पढ़ लिया है, वो मुझे इतना प्रिय नहीं है अगर वो मेरा भक्त नहीं है तो। और दूसरी ओर अगर एक भक्त चंडाल परिवार में भी जन्म लेता है वो मुझे बहुत प्रिय है, उससे कुछ दो, उससे कुछ लो, लो क्या कृपा लो, और उसके बाद फिर उसकी पूजा करो, जिस तरह से आप मेरी पूजा करते हो उस तरह से आप उसकी पूजा करो। तो इस तरह से महाप्रभु इतने अत्यंत प्रसन्न हुए रूप गोस्वामी और अनुपम गोस्वामी को देखकर। और उसके बाद फिर महाप्रभु ने क्या किया, अपने चरण रख दिए रूप गोस्वामी के ऊपर। और रूप गोस्वामी एकदम से महाप्रभु के चरणारविंद को अपने शीश में प्राप्त कर उन्होंने महाप्रभु की स्तुति की। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतेश्वर नमः। नमो महावदन्याय, आप महावदन्याय है महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं महावदन्याय कैसे हो सकता हूँ, मैं तो भिक्षुक हूँ, सन्यासी हूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं देने के लिए। तो रूप गोस्वामी ने कहा कृष्ण प्रेम प्रदायते,
आपने कृष्ण प्रेम का दान किया है, इससे बड़ा धन क्या हो सकता है। ये प्रेम धन आपने दिया है सबको, पूरे संसार में आप प्रेम धन का वितरण कर रहे हैं, इसका आप दान कर रहे हैं। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय। तो उन्होंने कहा, जब कृष्णाय बोला तो महाप्रभु ने कहा मैं कृष्ण तो नहीं हूं। तो रूप गोस्वामी ने कहा कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने, आप साक्षात कृष्ण है ही हैं, लेकिन कृष्ण चैतन्य के नाम से प्रकट हुए हैं, कृष्ण चैतन्य नामने। और उसके बाद उन्होंने कहा कि रूप गोस्वामी को बोला, रूप देखो ऐसा है तो मुझे कृष्ण करके कह रहे हो, मेरी तो गौर कांति है। फिर उन्होंने बोला कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तिश्वे नमः, आप साक्षात कृष्ण हैं, कृष्ण चैतन्य के नाम से प्रकट हुए हैं, लेकिन आपकी कांति गौर कांति है, आप श्याम वर्ण के नहीं। तो इस तरह से रूप गोस्वामी ने स्थिति की और महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि बड़ी कृपा हो गई आप दोनों के ऊपर कि भगवान कृष्ण ने आप दोनों का उद्धार कर दिया, और सब कुछ छोड़ना इतना आसान नहीं है संसार को, कृपा होगी तब संसार को छोड़ पाएंगे। और सकता है छोड़ना भी बड़ा आसान हो जाए लेकिन पकड़ना बड़ा मुश्किल है। सर्वधर्मान परित्यज्य आसान है, माम एकम शरणम व्रज कठिन है, है कि नहीं। तो इसलिए यहां पर तो दोनों ही किया, रूप गोस्वामी अनुपम गोस्वामी ने सभी धर्मों को त्याग भी दिया और भगवान की शरण पूरी तरह से ले भी ली, तो इनका कंप्लीट हो गया सरेंडर। तो इस तरह से जो है बहुत भाग्यशाली हो आप दोनों कि आप। और महाप्रभु ने पूछा रूप गोस्वामी से कि सनातन गोस्वामी कैसे हैं, उनके बारे में जिज्ञासा की। तो रूप गोस्वामी ने कहा कि तुमको तो नवाब हुसैन शाह ने कैद कर लिया, अब तो वो आपकी कृपा से ही जो है बच पाएंगे। तो महाप्रभु ने कहा चिंता ना करो, उनके कैद से वो छूट चुके हैं। महाप्रभु ने कहा रूप चिंता ना करो, सनातन नवाब की कैद खाने से छूट चुके हैं, 7,000 सोने की मुद्राएं दे दी उन्होंने जेलर को, ट्रांसेंडेंटल ब्राइब किया है और उनके कैद खाने से निकल गए सनातन गोस्वामी। और इस तरह से ये बताया गया यहाँ पर। और रूप गोस्वामी बड़े प्रसन्न हुए सनातन गोस्वामी के बारे में सुनकर। और उस दिन रूप गोस्वामी अनुपम गोस्वामी महाप्रभु के साथ रहे उसी ब्राह्मण के घर पर, और महाप्रभु का महा महाप्रसाद मिला पाने को। और उसके बाद फिर वही त्रिवेणी के तट पर एक और भक्त रहते थे, उनकी कुटिया में अब रूप गोस्वामी अनुपम गोस्वामी जाकर रहने लगे। तो इस तरह से वर्णन हुआ है। उसी समय क्या हुआ, उस समय की बात है, श्रीपाद वल्लभाचार्य रहते थे अड़ेल गांव के वासी थे, और उनको पता चला कि चैतन्य महाप्रभु आए हुए हैं, उनके परिकर रूप गोस्वामी अनुपम गोस्वामी भी आए हुए हैं, तो उनसे मिलने की बड़ी इच्छा हुई। और वहाँ पर जब पहुँचे तो रूप गोस्वामी और सनातन को रूप गोस्वामी अनुपम गोस्वामी का आलिंगन करना चाहते थे श्रीपाद वल्लभाचार्य, पीछे हट गए वो। उन्होंने कहा श्रीपाद ये मत करिए, आप हमें स्पर्श मत करिए, हम बहुत अधम हैं, हमने यमनों की सेवा की हुई है, आप तो दिव्य पुरुष हैं, हमें आप मत स्पर्श करेगा, हम बहुत पतित हैं। ये वास्तव में ऐसे नहीं कि मतलब कोई वो भाव प्रकट कर रहे हैं, कोई नाटक हो रहा है, नहीं, ये वास्तविक विनम्रता है उनकी। वो ऐसे सोच रहे हैं, ऐसा अनुभव कर रहे हैं वो कि हम बहुत गिरे हुए हैं, कोई शो नहीं है यहाँ पर हो रहा है, ये एक उनका नेचुरल ह्यूमिलिटी है। जब पेड़ में फल पकता है तो पेड़ की टहनियाँ झुकती हैं, है कि नहीं। तो अगर आप कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं तो झुकना आपके लिए स्वाभाविक हो जाता है, स्वाभाविक, बताना और कहना नहीं पड़ता है, स्वाभाविक होता है। सामने वाले किसी वैष्णव को देखकर अपने आप को बहुत ही दीनहीन मानते हैं ऐसे भक्त, बोले इतने उच्च कोटि के वैष्णव हैं श्रीपाद वल्लभाचार्य, वो हमें क्यों छुएंगे, हम तो बहुत नीच हैं, हम बहुत अदम हैं। नहीं नहीं श्रीपाद ऐसा मत करिए आप। तो महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए रूप गोस्वामी की विनम्रता को देखकर, और उसके बाद फिर वल्लभाचार्य से कहने लगे महाप्रभु श्रीपाद आप इन्हें मत छूइएगा, आप तो कुलीन ब्राह्मण हैं, है ना, और वैदिक अनुष्ठानों का पालन करने वाले हैं, उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं आप, वैष्णव ब्राह्मण हैं,
आप इन्हें स्पष्ट मत करिए। मैं आप लोग मतलब एक तरह का व्यंग ही कर रहे थे समझ लीजिए। तो वल्लभाचार्य कहते हैं, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ, इनके मुख से निरंतर नाम का उच्चारण हो रहा है। इनके मुख में नाम ऐसे बैठ गया है जैसे कि लोहे से चिंबक, नाम का ग्रहण लग गया है इनको। एक ग्रहण लगता है सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण, वो ग्रहण तो कुछ समय के बाद मिट जाता है, लेकिन ऐसा नाम ग्रहण होता है, अजामिल की कथा में भी आता है, नाम ग्रहण आदि भी, वैकुंठ नाम ग्रहण आदि भी, ये गोलोक नाम ग्रहण आदि भी, और ऐसा ही नाम ग्रहण है। एक बार यह नाम ग्रहण लग जाएगा, आपकी जीवा के ऊपर बैठ जाएगा, आपकी वाणी में यह नाम ग्रहण जब लग जाएगा, ये ग्रहण कभी मिटता ही नहीं है, ये ग्रहण कभी नहीं हटेगा। कितनी भी कोशिश कर लो नाम को छोड़ने के लिए, नाम आपको नहीं छोड़ने वाला है, चिपक जाएगा एकदम से, आपकी चेतना में प्रवेश होने के बाद छूटेगा नहीं नाम ही है। तो इस तरह से जो है, जब भी मौका मिलता, जहां जहां उनको मौका मिलता, जब वो बातचीत नहीं कर रहे होते किसी से, मुख से हरिनाम लेना शुरू हो जाते। ऐसे आज भी ब्रज में बहुत सारे भक्त हैं, हमारे संस्था में भी बहुत सारे वैष्णव ऐसे जो निरंतर मुख से उनका नाम निकलता रहता है। त्रिनादपि सुने चेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीय सदाहरि, ये रूप गोस्वामी है, इसलिए उनके मुख से नाम निकल रहा है, क्योंकि अपने आप को तृण से भी अधिक नीच मानते हो, वृक्ष से भी अधिक सहनशील है रूप गोस्वामी, इसलिए उनके मुख से सदाहरि नाम निकलता रहता है। तो हमारे मुख से सदाहरि नाम क्यों नहीं निकलता है, ये कारण है, क्योंकि ये योग्यता है नहीं हमारे पास। तो इसलिए यहाँ पर श्रीपाद वल्लभाचार्य ने माता देवभूति के द्वारा जो श्लोक बोला गया है भगवान कपिल देव की शिक्षाओं में, भागवत के तृतीय स्कंद 33वें अध्याय के 7वें श्लोक में माता देवभूति बोल रही है भगवान कपिल देव को, अहो बतो स्वपचतो गरीयान यज्जिह्वागरे वर्तते नाम तुभ्यम। बहुत सुंदर श्लोक है भागवत का ये, ते पुष्टपस्ते जुवुसशुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणन्ति ये ते। बहुत सुंदर, यानी कि मतलब ये है कि अगर किसी ने चंडाल परिवार में भी जन्म लिया है, या कि संसार की दृष्टि में वो व्यक्ति चंडाल है, बहुत अधम है, संसार की दृष्टि से बहुत अधम है, अगर उसके अग्रभाग से, जीवा के अग्रभाग से नाम का उच्चारण हो रहा है, जीवा के अग्रभाग से, अभी पूरा नाम उच्चारण भी नहीं हुआ, खुल के नहीं बोल रहा, अभी भी थोड़ा थोड़ा बोल रहा है, कोशिश कर रहा है, जैसे चाइना के लोग, कोरिया के लोग कोशिश करते हैं तो थोड़ा थोड़ा नाम निकलता है धीरे धीरे उनके, है ना, बहुत मुश्किल होता है उनके लिए नाम लेना। यह जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, तो जीवा के अग्रभाग से जब नाम का उच्चारण होता है, ऐसे अधम लोग भी जो है अधम नहीं होते हैं, वो पूरे समाज में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं, जिनके मुख से नाम उच्चारण हो रहा है, उन्होंने सारी तपस्या कर ली है, सारे यज्ञ कर लिए हैं, सारे वेदों का अध्ययन कर लिया है, सारे पुण्य कर्म कर लिए हैं, ऐसा करके बोले श्रीपाद वल्लभाचार्य। तो कैसे महाप्रभु आप कह रहे हैं ये अधम नहीं है, ये तो नरोत्तम है। श्रीपाद वल्लभाचार्य कहते हैं ये नरोत्तम है, नरों में उत्तम है ये, बेस्ट ऑफ द पर्सनैलिटीज। तो महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए ये श्लोक सुनकर वल्लभाचार्य, जब जय उन्होंने जब कहा, और वल्लभाचार्य जो है महाप्रभु को फिर अपने गाँव ले गए, अडेल गाँव ले गए, महाप्रभु की बड़ी सेवा की उन्होंने, महाप्रभु के चरण धोए गए, वो चरणामृत लेके परिवार के सदस्यों के ऊपर उनके शिरों में सब में सबको चरणामृत बांटा गया, चरणामृत दिया गया अभिषेक करने के बाद, और महाप्रभु को श्रीपाद वल्लभाचार्य ने स्वयं खिलाया, भोग नहीं लगाया उन्होंने, सीधा महाप्रभु को ही भोग लगाया, क्योंकि वो जान गए कि साक्षात श्री कृष्ण ही हैं चैतन्य महाप्रभु। वल्लभाचार्य समझ गए, उन्होंने कहा अगर ये स्वयं भगवान कृष्ण हैं तो फिर इन्हीं को भोग लगाऊंगा सीधा में, और उसके बाद फिर चरण स्पर्श करके चरणों की मालिश भी की श्रीपाद वल्लभाचार्य ने महाप्रभु, कितना बड़ा सौभाग्य देखिए उनका। और इस तरह से फिर क्या हुआ, जब पता चला कि महाप्रभु आए हैं वल्लभाचार्य के घर में रुके हैं, तो वहाँ ही पहुँच गए लोग, है कि नहीं, जहाँ शहद होगा मधुमक्खी तो आएगी आएगी, अपने आप मधुमक्खी पहुँच जाती हैं। तो जितने हजारों हजारों भक्त वहाँ पहुँच गए, महाप्रभु आए हैं, महाप्रभु आए हैं, चलिए चलिए दर्शन कर लें, महाप्रभु ने कहा भैया यहाँ पर रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ऐसे निकल लो। फिर महाप्रभु निकले वहाँ से, वापस आ गए यमुना जी पार करके दशाश्वमेध घाट, और वहाँ पे अपनी कुटिया में रहने लगे, जहाँ पर
रूप गोस्वामी और अनुपम गोस्वामी भी थे। दशाश्वमेध घाट में चैतन्य महाप्रभु ने लगातार 10 दिन के लिए श्रील रूप गोस्वामी को शिक्षा दी। मध्य लीला के अध्याय 19 में ये शिक्षाएं उपलब्ध हैं। बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हम सबको पढ़ना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं रूप गोस्वामी को, उसको रूप शिक्षा भी कहते हैं। तो महाइए मैं संक्षेप में बताऊंगा, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। संक्षेप में वर्णन इस प्रकार से है कि लाखों लोग, लाखों लाखों ज्ञानियों में कोई एक या दो होते हैं जो मुक्त होते हैं। वैसे तो वो 84 लाख योनियों का भी वर्णन करते हैं, कुछ ये भी बताते हैं कि कुछ चर जीव हैं, कुछ अचर जीव हैं, कुछ पशु हैं, कुछ पक्षी हैं, इस प्रकार से भी वर्णन करते हैं वो। अब यहाँ बता रहे हैं कि लाखों लाखों जो ज्ञानी हैं उनमें से एक आध होते हैं जो मुक्त होते हैं। किसमें लिखा है? भगवद गीता में भी लिखा है ना, मनुष्यानाम सहस्रेशु कश्चित यतति सिद्धये। तो सिद्धये मतलब जो ब्रह्म के स्थिति में पहुंचते हैं, ज्ञानी बन जाते हैं, ज्ञान के स्तर पर पहुंच जाते हैं। तो ऐसे जो सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, इनको रियलाइज हो गया कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, और उसमें से कुछ एक विरले होते हैं। भगवान कह रहे हैं कश्चित माम वेति तत्वतः। तो यहां पर बता रहे कोई कुछ कुछ ही एक होंगे, एक आध होंगे जो मुक्त होते हैं, और ऐसे लाखों लाखों मुक्त जो हैं उनमें से कोई एक या दो होते हैं जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनता है। भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनना इतना आसान नहीं है। तो यानी कहने मतलब है कि क्यों कर्मी, ज्ञानी और जो मोक्ष की कामना करने वाले हैं, योगी हैं, ये सब इच्छाओं से भरे हुए हैं। और जहां तक कृष्ण भक्ति की बात है, वो निष्काम क्योंकि रहता है तो वो शांत रहता है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी शौकलिया शांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। भक्त शांत रहता है, उसको कुछ चाहिए नहीं, वो तो केवल कृष्ण की सेवा करना चाहता है, इसलिए बड़े आनंद में रहते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत प्रसाद ले लेते हैं भक्त लोग, वो अच्छी बात। तो ये जो भक्ति है, रूप गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, महाप्रभु रूप गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, भक्ति को लता किससे तुलना की गई, भक्ति लता। तो ये भक्ति लता कैसे बढ़ती है बताया है। तो किसी एक जीव को यही रूपे ब्रह्मांड भ्रमिते कौनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण कृपाए पाए भक्ति लता बीज। तो ब्रह्मांड में अनेक जीव भ्रमण कर रहे हैं, 84 लाख योनियों में कोई एक होता है बिरला, या कुछ लोग ही होते हैं ऐसे जिनको ये भक्ति लता बीज मिल जाती है। अब ये भक्ति लता बीज को जो है उसको क्या करना है, उसका सिंचन करना है ना। माली हो या सही कोरे बीजारोपण श्रवण आदि सही कोरे सेचन। तो उसका सेचन करना पड़ता है, कल्टीवेट करना पड़ता है बीज को श्रवण कीर्तन के द्वारा। श्रवण कीर्तन के द्वारा जब वो सेचन होता है तो वो क्या होगा, बीज अंकुरित होकर बढ़ेगा ना, पौधे के रूप में बढ़ेगा, वो धीरे धीरे बढ़ेगा और बढ़ते 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 वो विरजा नदी को पार कर जाता है, भौतिक ब्रह्मांड के बड़े विरजा नदी जो है कारण सागर वहां तक पहुंच जाता है, और वहां से फिर धीरे 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 जो है वैकुंठ की तरफ बढ़ता है, ब्रह्म ज्योति से आगे निकलकर, विरजा नदी से आगे ब्रह्म ज्योति से आगे निकलकर जो वैकुंठ लोक है वहां तक पहुंचती है वो भक्ति लता। वैकुंठ लोक से गोलोक वृंदावन पहुंच जाती है, और वहां जाके जो है एक वृक्ष के साथ जो है घेरा डाल लेती है वो भक्ति लता, वहां पहुंच जाती है, और वहां पे वो कृष्ण प्रेम का फल विकसित होता है, ऐसा बता रहे चैतन्य महाप्रभु। और कभी कभी क्या होता है, ये फल पकता है, फल नीचे गिरता है, तो माली उसका आस्वादन करता है। जब आस्वादन करेगा तो भाव विभोर हो जाएगा, आनंद में रहेगा, अष्ट सात्विक भाव प्रकट हो जाएंगे फिर। तो प्रेम पंचम पुरुषार्थ या परम पुरुषार्थ वो है भगवत प्रेम प्राप्त करना। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये पुरुषार्थ है, पंचम पुरुषार्थ भी है, वो पुरुषार्थ क्या है, भगवत प्रेम है, भगवान की प्रेममयी सेवा प्राप्त करना। तो इस तरह से वो लता बढ़ती है, लता बढ़ते बढ़ती जाती है, और कई बार क्या होता है लता जब बढ़ती है तो उसमें उप शाखाएं उत्पन्न हो जाती है, स्टंटेड ग्रोथ जैसी ये है। बड़ा अच्छा उदाहरण है यहाँ, ये देखो, ये इसको जाना था सीधे, अब यहाँ मुड़ गया, और यहाँ जब मुड़ा तो सामने कैमरा लगा हुआ है। फिर क्या होता है, कैमरा लगने से क्या होता है, कूटी नाती जीव हिंसा निषिद्ध आचार ला पूजा प्रतिष्ठा जतो उप शाखागण। तो ये है उप शाखागण, समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। अगर ये लता जो है, ये लता यहाँ आ गई, इसको जाना था ऊपर,
ऊपर जाती तो गोलोक वृंदावन पहुंच जाती, लेकिन यहाँ पे पता नहीं नट कस दिया, पता नहीं क्या कर दिया, उसका गर्दन मोड़ दिया और वो शाखा निकल आई और यहाँ पहुंची तो कैमरा के सामने आ गए। कूटी नाती जीव हिंसा निषिद्ध आचार ला पूजा प्रतिष्ठा जतो उप शाखा गण। उप शाखा, उप शाखा का मतलब यहाँ पर उप शाखा का मतलब सब ब्रांचेस, इंग्लिश में बोलते हैं लेकिन सब ब्रांचेस, उप शाखा का मतलब है वो सही शाखा नहीं है, जंगली पौधा, अनवांटेड क्रीपर। जैसे कुरुक्षेत्र में कौन थे जंगली पौधे, कौन थे, कौरव सेना थी। तो क्या करना है महाप्रभु क्या बोले, सबसे पहले इसका करो छेदन, तब जाएगी ये भक्ति लता वृंदावन, नहीं तो नहीं जाएगी, नहीं तो यहीं रहेगी, ऊपर नहीं जाएगी। इसको ऐसे होना चाहिए सीधे, माइक उधर होना चाहिए गोलोक वृंदावन की तरफ, अभी यहां निकला है, समझ रहे आप। तो कुरुक्षेत्र में जिस तरह से कौरव जो थे वो अवांछित पौधे थे और उनको जड़ से उखाड़ा गया भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, पांडवों के द्वारा, तो उसी तरह से हमें क्या करना है, तत्काल ही छेदन कर देना है। जैसे ही पता चले ये उपशाखा निकलने वाली, उसी समय काट डालो, उसको हृदय से स्वीकार मत करो, ये मत सोचो कि ये भक्ति का सुख। उपशाखा के सुख को भक्ति का सुख मत मानो। इसलिए विश्वनाथ जी ठाकुर उसको क्या कहते हैं, तरंग रंगनी या भक्ति उत्थान अर्था, बहुत सारी बातें हैं। तो इस तरह से जो है फिर वो भक्ति लता भी जो है आगे नहीं बढ़ पाती, यानी भक्ति लता आगे नहीं बढ़ पाती, इन कारणों से आगे नहीं बढ़ पाती। और फिर क्या बता रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि अपराधों से बचने के लिए कह रहे हैं महाप्रभु। बोलते हैं अगर वैष्णव अपराध हो जाए तो वैष्णव अपराध जो है वो भक्ति लता को चोकअप कर देती, वो आगे नहीं बढ़ देती है। और उसकी तुलना उन्होंने की है जंगली हाथी से, जो बगीचे को या वन में जो वृक्षों को नुकसान पहुंचाता है। जंगली हाथी बड़ा खतरनाक होता है, बाग बगीचे को सबको उखाड़ देगा वो। तो ये भक्ति लता बीज को उखाड़ सकती है, ये वैष्णव अपराध इतना घातक होता है। अगर महत पुरुषों के प्रति वैष्णव अपराध हो जाए तो भक्ति लता बीज को भी उखाड़ देती है, तो बहुत खतरनाक है वैष्णव अपराध। वैष्णव अपराध करने से भगवत धाम जाने का जो थोड़ा बहुत अवसर प्राप्त हुआ है वो स्थगित हो जाएगा, नहीं जा पाएंगे भगवान के धाम। एक भी वैष्णव दुखी हुआ आपसे तो भगवत धाम का टिकट नहीं मिलेगा। इसलिए अपराध तो बहुत सारे हैं, नाम अपराध, सेवा अपराध, लेकिन कम से कम या अधिक से अधिक वैष्णव अपराध से बचना चाहिए, वो सबसे घातक है भक्ति मार्ग के लिए। तो इस तरह से बता रहे हैं महाप्रभु, सावधान रहना होगा। और क्या बता रहे हैं आगे चैतन्य महाप्रभु, ये भी बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, बता रहे हैं नवधा उसके बारे में, भक्ति के अलग अलग जो सीक्वेंसेस हैं, भक्ति के अलग अलग जो सीढ़ियां हैं कि भक्ति कैसे धीरे धीरे बढ़ती है हमारी। आदौ श्रद्धा तथा साधु संगो अथ भजन क्रिया तथो अनर्थ निवृत्ति स्यात् तथो निष्ठा रुचिस्तथा अथा आसक्ति स्थितो भावा तथा प्रेमा बुध्यंचति साधकाना वयम प्रेमना प्रादुर्भावे भवेत क्रमः। श्रद्धा से प्रेम तक ये सीढ़ियां हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ना है। तो महाप्रभु ये रूप गोस्वामी को बताते जा रहे हैं। फिर क्या बता रहे हैं आगे, और आगे बता रहे हैं इसके बाद। महाप्रभु रुक नहीं रहे, फिर बोले प्रेम क्रमे बाड़ी होय स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव होय। प्रेम से लेकर महाभाव की स्थिति बता दी, प्रेम से आगे की स्तर बता दिए, बताइए। इससे पहले चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले किसी भी वैष्णव संप्रदाय में किसी भी वैष्णव आचार्य ने इस तरह की व्याख्या नहीं की कि प्रेम के आगे के स्तर भी हैं। जो रूप गोस्वामी को दिया है चैतन्य महाप्रभु ने, ये थीसिस वर्क है गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में, जो किसी अन्य संप्रदाय में नहीं पाया जाता है। तो ये हमारी धरोहर है, ये हमारी संपदा है। तो चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी को दिया, उससे बढ़कर कोई नहीं है, उससे बढ़कर कोई सिद्धांत नहीं है। चैतन्य महापुरुष ने तो चारों वैष्णव संप्रदायों का निष्कर्ष दिया ही है, और उन्होंने जो रस तत्व की व्याख्या की है वो कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए रूप गोस्वामी को रस आचार्य बोलते हैं कि रस तत्व की व्याख्या श्री रूप गोस्वामी ने जो की है वो महापुरुष से सुना है उन्होंने। तो महापुरुष ये सब बता रहे हैं कि महापुरुष बोल रहे हैं मैं आपको संक्षेप में ही बता रहा हूं, अब आप इस रस तत्व की व्याख्या करना विस्तार से।
तो इसलिए श्री रूप गोस्वामी ने ग्रंथ लिखा भक्ति रसामृत सिंधु। भक्ति रसामृत का सिंधु है, भक्ति रसामृत सिंधु रसों से परिपूर्ण है, रसों से परिपूर्ण है, रसों का भंडार है। किसके बारे में? अखिल रसामृत मूर्ति। कौन है? भगवान श्री कृष्ण अखिल रसामृत मूर्ति हैं, रसों से परिपूर्ण रसराज, उनके बारे में चर्चा है भक्ति रसामृत सिंधु में। और कहते हैं ये सागर के समान है, सिंधु के समान है, ये रसामृत सिंधु के समान है। वो सागर में रस से भरा हुआ है, रसामृत भरा हुआ है उस समुद्र में। और विश्वनाथ जी ठाकुर ने बड़ी अच्छी किताब लिखी, और आगे चलकर रूप गोस्वामी के अनेक ग्रंथों के ऊपर उन्होंने टीकाएं लिखी हैं। और कभी कभी तो ये भी बताया जाता है कि विश्वनाथ ठाकुर जो हैं रूप गोस्वामी के अवतार हुए हैं। तो विश्वनाथ जी की ठाकुर लिखने, उन्होंने ग्रंथ लिखा भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु। उन्होंने कहा कि सिंधु से अगर एक बिंदु भी मिल जाए तो आपका उद्धार हो जाएगा। वो सिंधु से अगर एक बिंदु का भी आस्वादन कर लें आप, इस संसार के नहीं रहेंगे आप, जगत के नहीं रहेंगे फिर आप। भक्ति रसामृत सिंधु। तो इस तरह से ये अलग अलग स्तर बताए उन्होंने, स्नेह मान राग अनुराग, स्नेह मान प्रणय, राग अनुराग, भाव महाभाव, महाभाव के दो डिविजन्स बताए, रूढ़ महाभाव, आधिरूढ़ महाभाव, आधिरूढ़ महाभाव के और डिविजन्स बताए हैं, मोदन महाभाव, मोहन महाभाव, मादन महाभाव। इस तरह से महाप्रभु बताते गए, रूप गोस्वामी को यह सब दे दिया। तो श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ की रचना की। 2219 श्लोक उस ग्रंथ में है भक्ति रसामृत सिंधु में। और श्रील प्रभुपाद जी ने हम जैसे मूर्खों के लिए कृपा वर्ष उन्होंने क्या किया, उसको समराइज करके दे दिया, ताकि हम कम से कम वो तो पढ़ लें, वो भी नहीं पढ़ा जा रहा हमसे। प्रभुपाद जी जब ये बुक रिलीज हुई नेक्टर ऑफ डिवोशन लॉस एंजलिस में, व्यास आसन में बैठे थे, प्रभुपाद ने नेक्टर ऑफ डिवोशन के लिए कहा दिस नेक्टर ऑफ डिवोशन इज अ लॉ बुक ऑफ इस्कॉन फॉर नेक्स्ट 10,000 ईयर्स, ऐसे करके बोले प्रभुपाद। रूप गोस्वामी, क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं भक्ति, आज जो भी सेवाएं कर रहे हैं वो रूप गोस्वामी की शिक्षाओं के ऊपर आधारित हैं। जो भी साधन हम लोग कर रहे हैं, साधन भजन कर रहे हैं, 64 भक्ति के अंग, वो सब रूप गोस्वामी के द्वारा दिए गए हैं। कृष्ण भावना अमृत का जो अनुशीलन करना है हमें, वो श्रील रूप गोस्वामी के शिक्षाओं के ऊपर करना है। वो हमारे लीडर हैं, हमारे नेता हैं, हमारे प्रमुख आचार्य हैं। तो उस समय के गौड़िया वैष्णव आचार्य थे, प्रमुख आचार्य थे श्रील रूप गोस्वामी। तो इस तरह से रूप गोस्वामी के बारे में बताया गया है। और ये बड़ा अच्छा बताया उन्होंने, महाभाव की जब चर्चा कर रहे हैं तो एक बहुत सुंदर बात बताई। उन्होंने कहा कि महादेव शिवजी को कह रहे हैं, राधाणी की महिमा बता रहे हैं, शिवजी जो है राधाणी की महिमा बता रहे हैं पार्वती जी को। क्या बता रहे हैं? अगर वैकुंठ का जितना सुख है और दुख है, बोले दुख क्या होता है? भगवान से विरह का दुख, भगवान से मिलन का सुख और भगवान से विरह का दुख, जो वैकुंठ में है, और जो ब्रह्मानंद का जो सुख है, आज उसका जो है दो ढेर बना लिया जाए तो ये जो है वास्तव में राधारानी का जो प्रेम है, उनका जो विरह है, उनका जो आनंद है, उसके एक बूंद के बराबर भी नहीं। वैकुंठ का जो आनंद है, ब्रह्मानंद का जो आनंद है, सुख है, उसका अगर ढेर भी लगाया जाए, और राधारानी का जो प्रेम है कृष्ण के लिए, उनका जो विरह होता है कृष्ण के लिए, उसके एक बूंद के बराबर भी नहीं है वो। ऐसा महादेव बोल रहे हैं, पार्वती जी को बता रहे हैं। तो इस तरह से महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को बताया कि मैंने आपको बड़ा संक्षिप्त में बताया है, अब इस भक्ति रस की व्याख्या करिए, इसका विस्तार से वर्णन किए करिए। इस तरह से महाप्रभु ने रूप गोस्वामी के सर पर अपना चरण रख दिए, उनको एम्पावर कर दिया, उनको शक्ति दे दी, शक्ति संचारित कर दी महाप्रभु रूप गोस्वामी के हृदय में, वो कृपा बरसा दी। उन्होंने कहा कि अब चिंता ना करो, जब भी आप ये ग्रंथ लिखोगे, रस तत्व की व्याख्या करोगे, जब भी आप कृष्ण का ध्यान लगाओगे, भगवान कृष्ण आपके हृदय में बैठे होंगे और आपको सब कुछ प्रकट करेंगे। तो इस तरह से महाप्रभु गुरु गोस्वामी को भक्ति रस की व्याख्या करके 10 दिन के बाद चैतन्य महाप्रभु फिर बनारस गए थे। और बनारस में जाके लगभग 2 महीने के लिए वहां पर सनातन गोस्वामी को भी उन्होंने शिक्षा दी थी। तो रूप गोस्वामी ने कहा महाप्रभु से
कि महाप्रभु आप जा रहे मुझे भी साथ में ले जाइए। भक्त तो वहीं रहना चाहते हैं जहाँ पे भगवान है, लेकिन क्या है कि सेवाएं होती हैं, सेवाओं के लिए बहुत कुछ त्यागना भी पड़ता है। ऐसा नहीं कि सब हम सब वृंदावन में बैठे रहेंगे, सेवाओं के लिए कहीं भी जाना पड़ता है महापुरुष के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन महापुरुष या रूप गोस्वामी को कहाँ भेज रहे हैं, वृंदावन भेज रहे हैं। तो महापुरुष रूप गोस्वामी को वृंदावन भेज रहे क्योंकि रूप गोस्वामी के लिए सेवा है वृंदावन में है। तो रूप गोस्वामी हमारे लोही बाजार में घूमने के लिए नहीं जा रहे हैं कि वहां जाके जो है लस्सी पियेंगे और टिक्की खाएंगे बाकी बिहारी की बात बैठ के। वहां बहुत बड़ी जिम्मेदारी देकर भेज रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि महापुरुष आप वृंदावन जाओ, अभी बाद में आप कुछ समय के बाद नीला चला जाना, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ आ जाना आप मिलने के लिए। तो इस तरह से महाप्रभु जो है चल पड़े बनारस के लिए, नाव में बैठे। और जैसे ही महाप्रभु जब निकल रहे थे तो रूप गोस्वामी एकदम से मूर्छित हो गए। महाप्रभु के जाते ही मूर्छित हो गए। देखिए हम कभी मूर्छित हुए? तो इस तरह से जब वो पुनः जागृत हुए और रूप गोस्वामी अनुपम गोस्वामी के साथ आगे बढ़ लिए, आगे चल दिए। जब मथुरा पहुँचे वह रूप गोस्वामी सुबुद्धि राय से मिले। सुबुद्धि राय जो है वो नवाब हुसैन शाह के कार्य में, राज कार्य में थे, गौड़ देश के जो नवाब थे नवाब हुसैन शाह उनके राज्य में कार्यरत थे। और उस समय हुसैन शाह जो हैं, जब वो नवाब नहीं बने थे, राजा नहीं बने थे गौड़ देश के, वो सुबुद्धि राय के सेवक थे क्योंकि वो ऊँचे पद पर थे सुबुद्धि राय। उस समय को तालाब का या सरोवर का निर्माण करना था और उसके लिए खुदाई हो रही थी, गलती हो गई कुछ उनसे हुसैन शाह से, तो इन्होंने जो है फिर उनको दंडित किया और चाबुक मारा क्रोधित होकर, गलत काम किया इसलिए। बाद में क्या हुआ, एक दिन उनकी पत्नी ने देखा जब ये वस्त्र बदल रहे थे, उन्हें कहा कि ये पीठ पे चाबुक किसे मारा आपके? उन्होंने कहा कि सुबुद्धि की सेवा में था मैं, और उस समय कुछ बनाना था, मैं कुछ सरोवर का निर्माण चल रहा था तालाब का, और उससे कोई गलती हो गई तो उसने मुझे दंडित किया, मृत्यु दंड दीजिए आप उसको, आप क्योंकि अब आप नवाब हैं, उसकी ये हिम्मत उसकी ये जरूरत। तो फिर उसने नवाब ने कहा नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, वो हमेशा मुझे अपने भाई के रूप में देखा है, मेरी बड़ी मदद की थी, लेकिन ये अच्छा नहीं है, अब मैं नवाब हो गया तो उसको मैं मृत्यु दंड लूँ। वो पत्नी माने नहीं, बहुत जोर देने लगी हूँ। उन्होंने कहा ठीक है आप इसको निष्कासित कर दें ब्राह्मण समाज से, कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, यवन के पात्र से जल छिड़क दिया। उन दिनों ऐसा था, यवन के पात्र से आप जल पी लें, यवन के पात्र आपसे जल आपके ऊपर छिड़का जाए तो ब्राह्मण समाज आपको निष्कासित कर देगा, गेट आउट। तो सब ब्राह्मणों ने निष्कासित कर दिया सुबुद्धि राय, बड़े चिंता में पड़ गए वो, अरे क्या किया जाए। अब उसके बाद फिर वो बहुत चिंता पड़ गए। जब फिर वो काशी गए, काशी गए तो वहाँ पर फिर वहाँ के काशी के ब्राह्मणों से पूछा कि मैं क्या करूँ। ब्राह्मणों ने सुझाव दिया इसका एक ही उपाय है, आप खोलता हुआ घी पी के पश्चाताप करो, खोलता हुआ घी। तो खोलता हुआ घी पीने के लिए कहा है, महापुरुष से भी मिले। उसके बाद महापुरुष ने कहा कि ब्राह्मण मुझे ये सुझाव है, मुझसे ये गलती हो गई थी और मुझे ये सुझाव दिया गया है कि मैं खोलता हुआ घी पी के मर जाऊँ। महापुरुष ने कहा ये सब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है खोलते हुए घी पीने के लिए, घी जरूर पियो लेकिन खोलता हुआ पीने की जरूरत नहीं है। ये नहीं बोला महापुरुष ने। फिर महापुरुष ने कहा कि आप जाओ और आप वृंदावन जाओ, ब्रज की रचे में लौटो और जो वैष्णव आते हैं वहाँ पर भजन साधन करने के लिए उनकी सेवा करो और निरंतर हरि नाम लो, ये पर्याप्त है। एक नाम कोई लेता है भगवान का उसके इतने पाप कट जाते हैं कि उतने पाप कर भी नहीं सकता, तो ये कोई बहुत चिंता का विषय नहीं है, तो आप जाइए। तो इस तरह से सुबुद्धि राय आए थे और फिर रूप गोस्वामी जब पहुंचे तो सुबुद्धि राय श्री रूप गोस्वामी को 12 वनों का दर्शन कराए। और उस समय लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी भी वहां पर थे जो ब्रज की लीला स्थलियों का पता लगा रहे थे, और रूप गोस्वामी जो है उनको नहीं मिल पाए, रूप गोस्वामी जो है उनको नहीं मिल पाए क्योंकि अभी उनका चिंता का विषय क्या था कि सनातन गोस्वामी जब जेल से छूटे हैं तो वो कब वृंदावन पहुँचेंगे और एक साथ मिलकर फिर हम लोग यहाँ पर महाप्रभु की आज्ञा का पालन करेंगे। तो ये विचार कर रहे थे, बड़ी चिंता थी अब उनकी, इसलिए वो रूप गोस्वामी अब
वृंदावन में केवल एक ही महीने रहे ब्रज में। एक महीने रहने के बाद वो भी निकल पड़े और अनुपम के साथ वो अब काशी की तरफ चल पड़े। तो काशी की तरफ जा रहे थे, लेकिन वो गंगा जी के तट से जा रहे थे और सनातन गोस्वामी जो हैं अब वो काशी से निकल चुके थे। दो महीने काशी में कथा सुन ली थी महाप्रभु से उन्होंने, वो भी निकल गए थे वृंदावन के लिए। महाप्रभु उनको भी बोला था कि आप जाइए वृंदावन, रूप गोस्वामी को तो भेज ही दिया था, अब सनातन गोस्वामी को भी वहाँ से भेजा था। तो रूप गोस्वामी को लगा कि सनातन गोस्वामी से मुलाकात हो जाएगी बनारस काशी में वहीं जाकर, तो वो बनारस के लिए निकले थे रूप गोस्वामी। लेकिन सनातन गोस्वामी वहाँ से निकल पड़े और वो जो है काशी से वृंदावन आ रहे थे राजपथ से, राजमार्ग से, बड़े मार्ग से आ रहे थे, नेशनल हाईवे से आ रहे थे। और रूप गोस्वामी जो है वो गंगा जी के तट से जा रहे थे, तो फिर वो मिल नहीं पाए बीच में। सनातन गोस्वामी वृंदावन पहले पहुंच गए और रूप गोस्वामी पहुंच गए काशी, उल्टा हो गया। अब वो जब काशी पहुंचे, बनारस पहुंचे, तो पता चला कि सनातन गोस्वामी तो निकल गए, वो तो चले गए, महाप्रभु उनको भेज दिया, काशी से वृंदावन भेज दिया है। रूप गोस्वामी सोचने लगे अब मैं क्या करूँ, बहुत बड़ी समस्या हो गई है। तो रूप गोस्वामी ने फिर फैसला किया कि मैं चलो अब नीलाचल जाऊँगा। तो रूप गोस्वामी अनुपम गोस्वामी के साथ नीलाचल चल दिए। अब नीलाचल जाना था उन्होंने, अनुपम गोस्वामी जो थे उनकी बड़ी चिंता थी। उन्होंने कहा घर परिवार का मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ उनकी आवश्यकताएं हैं, मैं सोच रहा हूँ उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर लूँ, उसके बाद हम लोग चिंता रहित होकर जो है महाप्रभु से मिलने नीलाचल चलेंगे। तो ये दोनों का विचार था। तो लेकिन रूप गोस्वामी और उसके बाद फिर अनुपम गोस्वामी का समय पूरा हो गया और उन्होंने देह त्याग दिया, गौड़ देश में ही देह त्याग दिया, तो आगे जा ही नहीं पाए फिर। तो रूप गोस्वामी अनुपम गोस्वामी के जाने के बाद रूप गोस्वामी अकेले ही चल पड़े। तो रास्ते में नीलाचल में जाने से पहले रास्ते में एक स्थान आया था सत्यभामापुर, वहाँ सत्यभामा जी का उनको दर्शन प्राप्त हुआ था। रूप गोस्वामी की इच्छा थी एक ग्रंथ लिखने के लिए, ललित माधव वेदक माधव ये ग्रंथ लिखा है ना, उनका ऐसा ग्रंथ मैं लिखना चाहता हूँ जिसमें भगवान कृष्ण की लीलाएं जो वृंदावन में हुई हैं और जो द्वारका में हुई है, दोनों ही लीलाओं का वर्णन मैं एक ही ग्रंथ में देना चाहता हूँ। लेकिन सत्यभामा जी ने कहा कि अब ऐसा ना करें, इन लीलाओं को, दोनों लीलाओं को अलग अलग ही आप प्रस्तुत करें। तभी रूप गोस्वामी ने फिर ललित माधव विदग माधव लिखा था, विदग माधव में वृंदावन की लीलाएं और ललित माधव में द्वारका की लीलाओं का वर्णन किया गया। तो इस तरह से रूप गोस्वामी जो है अब पहुंचे जगन्नाथपुरी। सनातन गोस्वामी की तरह रूप गोस्वामी जो है बड़े ही विनम्र और अपने आप को बहुत अधम मानते थे और ये मानते थे कि वो छूने लायक नहीं है, अछूत हैं, स्पर्श करने लायक नहीं है, और उनको कोई अधिकार नहीं बनता है कि वो जगन्नाथ मंदिर में जाएं जगन्नाथ जी का दर्शन करने। देखिए क्या भाव उनका, देखिए सुदर्शन चक्र का दर्शन दूर से करूँगा मैं, उनमें और जगन्नाथ जी में कोई भेद नहीं, और मैं जगन्नाथ मंदिर में नहीं जाऊँगा, क्योंकि उनको लगा कि हमने तो यमुनों की सेवा की है, हमें जाने का अधिकार नहीं है। तो कहाँ जाना चाहिए मुझे, लामाचार्य हरदास ठाकुर की भजन कुटीर में गए, हरदास ठाकुर की कुटिया में जाकर वहाँ रहने लगे। हरदास ठाकुर ने जब देखा रूप गोस्वामी को देखा तो वो हैरान हो गए, मतलब देखिए रूप गोस्वामी आए हैं, कितना भाग्य मेरा सौभाग्य है। हाँ, और उन्होंने फिर एकदम से हरदास ठाकुर ने रूप गोस्वामी का आलिंगन किया, उन्हें बोले महाप्रभु तो थकते नहीं हैं, अपने हजारों हजारों मुख से जो है आपका आपकी प्रशंसा करते रहते हैं, दिन रात आपका गुणगान करते रहते हैं महाप्रभु। तो ऐसा होता है कि गुरु वैष्णव जो है मुँह के सामने तो प्रशंसा नहीं करते, जो अच्छे भक्त होते हैं उनकी प्रशंसा पीछे करते हैं, लेकिन महाप्रभु तो रूप गोस्वामी की प्रशंसा सामने भी करते थे और पीछे भी करते थे। और महाप्रभु आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं, आपकी बहुत तारीफ करते हैं आपकी। तो महाप्रभु जो हैं हरदास ठाकुर की भजन कुटीर में जाते थे जगन्नाथ जी का प्रसाद लेके, और अगले दिन जब वो गए तो वहाँ जाके देखा रूप गोस्वामी को, रूप गोस्वामी का स्वागत किया और महाप्रभु रूप गोस्वामी का आलिंगन किया। और बहुत समय लंबे समय तक गौर कथा और कृष्ण लीला की चर्चा होती रही आपस में। और उसके बाद रथ यात्रा समय का समय आना था और बड़े बड़े दिग्गज वैष्णव गौड़ देश से आए, शिवानंद सेन के साथ, कुछ शांतिपुर से भी आए दत्ताचार्य के साथ, अनेक भक्त वहाँ पर आए। लेकिन सबसे पहले जगन्नाथ जी का दर्शन करते उनके हृदय की इच्छा ये थी कि वो महाप्रभु का दर्शन करें। तो अनेक भक्त जो गौड़ देश आए वो सब महाप्रभु का दर्शन करने के लिए सबसे पहले गए और सबके सामने महाप्रभु रूप गोस्वामी की तारीफ कर रहे हैं, सबको परिचय दिला रहे हैं, सबको जो है परिचय दे रहे हैं रूप गोस्वामी का
बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? बोलते हैं रूप गोस्वामी का आलिंगन किया तो उन्हें कहा नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य को, उन्हें कहा कि कृष्ण के बुलावे के कारण, कृष्ण ने क्योंकि बुलाया, रूप गोस्वामी यहाँ पर आ गए हैं पूरे संसार को त्याग कर, आप इन्हें आशीर्वाद दीजिए कि जीवों के उद्धार के लिए, लोक कल्याण के लिए ग्रंथों की रचना कर सकें और कृष्ण भक्ति रस की व्याख्या कर सकें। नाना शास्त्र विचार नहीं कर निपुनो षड धर्म संस्थापको लोकानाम हितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरण्या करो। तो इस तरह से नाना शास्त्र विचार नहीं कर निपुणो, नाना शास्त्रों में निपुण थे, दक्ष थे, तो रूप गोस्वामी के लिए बोल रहे हैं अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु को बोल रहे हैं आप आशीर्वाद दीजिए इसको। तो कई बार होता है कि गुरु बोलते हैं, जो कोई वरिष्ठ वैष्णव आते हैं तो उन वैष्णव को बोलते हैं, हमारे गुरु महाराज बोलते हैं प्लीज ब्लेस हिम, प्लीज ब्लेस हिम। गुरु महाराज बोलते हैं जब भी उनके गुरु भाई आते हैं और हम भी वहाँ बैठे होते हैं कि या और कोई भक्त भी बैठा होता है तो गुरु महाराज बोलते हैं इनको आशीर्वाद दीजिए आप, ये ठीक से सेवा करें। तो इसी तरह से महाप्रभु अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु को बोल रहे हैं कि अब आशीर्वाद दीजिए श्री रूप गोस्वामी को। तो इस तरह हरिदास ठाकुर रूप गोस्वामी, तो इस तरह से हमने बताया कि रूप गोस्वामी भी जगन्नाथ जी के मंदिर नहीं जाते थे और महाप्रभु का जो नृत्य है कीर्तन वो बहुत दूर से करते थे। ये भी नहीं कि महाप्रभु के साथ नाच रहे हैं, रूप गोस्वामी ने वहाँ ये नहीं सोचते थे महाप्रभु तो मेरा आलिंगन कर लिया तो बहुत करीब से मेरी प्रशंसा की है, चलो जी मैं भी अब नाचता हूँ बीच में जाके हरी बोल नहीं। उस समय भी रूप गोस्वामी की बड़ी विनम्रता थी और दूर से देखते थे, मैं मुझे ये अधिकार नहीं है कि महाप्रभु के सामने जाके नृत्य करूँ, मैं बहुत अधम हूँ, मैं दूर से देखूंगा संकीर्तन, दूर से ही कीर्तन करूंगा, मैं दूर से जो है हरिनाम का उच्चारण करूंगा, ये भाव था रूप गोस्वामी का। तो देखिए उसके बाद फिर महाप्रभु जो है प्रत्येक दिन बता रहे हैं रूप गोस्वामी के लिए हरिदास ठाकुर के लिए जगन्नाथ जी का प्रसाद भेजते थे। और अब देखिए रूप गोस्वामी जो है उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की। अब ग्रंथों की रचना करने में रस तत्व की व्याख्या उनको करनी थी, तो रस तत्व की व्याख्या करने के लिए कुछ और अन्य दिग्गज जो वैष्णव हैं रस तत्व में, जो बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ पंडित हैं, विद्वान हैं, तत्व रस तत्व के आचार्य हैं, तो उनका भी सान्निध्य प्राप्त हो जाए, उनकी भी संगति प्राप्त हो जाए। तो ऐसे में महाप्रभु के अतिरिक्त रूप गोस्वामी को दो दिग्गज वैष्णव का सान्निध्य प्राप्त हुआ जिनका नाम है स्वरूप दामोदर और रामानंद राय। तो स्वरूप दामोदर जानते हैं कि नवदीप में थे पहले, और रामानंद राय तो पहले राजमहेंद्री गोदावरी नदी के तट से थे, तो दोनों ही अब जो है जगन्नाथपुरी में वास कर रहे थे, महाप्रभु की शरण उन्होंने ले ली थी और चैतन्य महाप्रभु ने जो है उन दोनों को नियुक्त किया था और उनसे भी बहुत कुछ सीखा और उन दोनों भी जो है उन दोनों ने भी बड़ी प्रशंसा की महाप्रभु रामानंद राय ने भी और स्वरूप दामोदर ने रूप गोस्वामी की बहुत प्रशंसा की। जब रथ यात्रा आ गई चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के रथ के सामने नृत्य कर रहे थे, एक दिन की बात नृत्य कर रहे थे, भाव भोर होकर आनंद में थे और उन्होंने एक श्लोक का उच्चारण किया जगन्नाथ जी के सामने। ये श्लोक का अर्थ कोई नहीं समझ पाया, केवल दो स्वरूप दामोदर और रूप गोस्वामी, इनके अतिरिक्त कोई नहीं समझ पाया। श्लोक का अर्थ इस प्रकार से, वैसे इसमें लिखा है यह कुमार स एव ही वरस्ता चैत्र शपास्ते चमिलिता मालती सौरभ्यः प्रोदा कदम्बानिलहा स चैवांसि तथा भी तत्र सुरता व्यहार लीला विदौ देवारोदसी वेतसी तरुतले चेतः समुत्कंठायते। अब ये ऐसे जो काव्य है हिंदी काव्य प्रकाश से है, ये काव्य प्रकाश का ये श्लोक है, ऐसा लगता है कि सांसारिक बातें हो रही हैं इसमें। क्या बताया सखी, मुझे तो अपने पहले मिलन का स्मरण हो रहा है जब मैं पहली बार अपने पति से मिली थी विवाह से पहले। कोई कह रहा है अपनी सखी से, कह रही है कोई, और कौन सा स्थान था वो रेवती नदी के तट पर, और अभी आज वही बसंत पंचमी है, चैत्र मास है और ये रात्रि का समय है और बहुत मधुर मधुर हवा चल रही है, सुगंधित हवा चल रही है मालती पुष्पों से,
और मैं और मेरे पति वही हैं, लेकिन क्या कारण है वो आनंद नहीं आ रहा जो प्रथम मिलन में आया था। नहीं, विवाह से पहले जो आनंद और सुख मिलता था वो आनंद नहीं आ रहा है, इसका क्या कारण है। और मेरा मन तो बार बार अपने पति से मिलने की इच्छा प्रकट कर रहा है, वेटिशी वृक्ष नीचे रेवती नदी के तट पर। तो इस तरह से महाप्रभु बोले। अब ये कोई किसी को समझ नहीं आया भाई इसमें जगन्नाथ की स्तुति हो रही है, क्या हो रहा है कि नहीं। कोई इस तरह की स्तुति करे यहाँ पे रुक्मिणी द्वारका देश के सामने, बोले कि भाई ये क्या है, बंद करो इसको, स्टॉप इट। कोई आके मूवी सॉन्ग गाने लगे यहाँ माइक में तो आप गार्ड को बुलाओगे। तो यहाँ तो महाप्रभु ये सब बोल रहे हैं। और उसके बाद रूप गोस्वामी ने महाप्रभु को देखा ये बोलते हुए, और उन्हें ताल के पत्ते पर उन्होंने भी एक श्लोक लिख दिया, उससे मिलता जुलता। और क्या रखा, अपनी कुटिया के ऊपर रख के छोड़ दिया, स्नान करने के लिए चले गए। और उसके बाद फिर श्लोक में क्या लिखा था, प्रिय सोयम कृष्ण सहचरी कुरुक्षेत्र मिलिता सता हम सराधा तदित मुभयो संगम सुखम तथापयंत खेलन मधुर मधुर मुरली पंचम जुषे मनो में कालिंदी पुलिंदी विपनाय स्प्रिहती। सखी, आज मुझे अपने प्रिय प्रियतम श्री कृष्ण मुझे कुरुक्षेत्र में मिले हैं, मैं वही राधा हूं और हमारे मिलन का जो आनंद भी वही है, लेकिन क्या कारण है यहां रहकर मुझे जो है यमुना जी में जाने की इच्छा हो रही है। यमुना जी के तट पर वहां पे जो निकट में जो वन है, वहां पे भगवान श्री कृष्ण जहां पर वंशी वादन करते हैं, अपना वेणु बजाते हैं, वो सुनने की इच्छा क्यों हो रही है जबकि श्री कृष्ण मेरे सामने खड़े हैं। वृंदावन का स्मरण क्यों हो रहा है मुझे। तो अगले दिन रूप गोस्वामी ने श्लोक लिख के जो है ताल के पत्ते पर लिख दिया और कुटिया के ऊपर रख दिया, हरिदास ठाकुर की कुटिया के ऊपर रख दिया और स्नान करने के चले गए। और स्नान करने जब गए तो उसी समय फिर वो महाप्रभु स्वरूप दामोदर वहां पहुंचे और उन्हें वो ताल का पत्ता देख लिया और उसको पढ़ना शुरू कर दिया महाप्रभु ने। महाप्रभु ने जब पढ़ा बोले कमाल है। रूप गोस्वामी जब वापस है पता चला कि रूप गोस्वामी का लिखा हुआ है। अच्छा, ये भी बताया रूप गोस्वामी के बारे में, जब वो लिखते थे मुक्तावली उनके जो अक्षर थे वो कैसे होते थे, जैसे मोतियों की आवली हो ऐसे अक्षर रूप गोस्वामी के होते, ऐसे उसका लेख होता था प्रिंट एकदम। जीव गोस्वामी का तो देखा हमने क्रम संदर्भ और षट संदर्भ जो उनका ओरिजिनल है वो एक जीवा इंस्टीट्यूट है उसमें रखा हुआ है ग्लास केस में, और देखिए आप क्या उनके अक्षर हैं, एक प्रिंट एकदम, एक भी मिस्टेक नहीं है, एक भी एडिटिंग कोई काटा पीटी नहीं है, ब्यूटिफुल एकदम है उनका राइटिंग है। तो फिर महाप्रभु ने बड़े आराम से थप्पड़ मारा रूप गोस्वामी और कहे, क्या बोले, रूप तुम मेरे मन के बारे में कैसे जान गए, मेरे मन के बारे में तो कोई नहीं जानता है, ऐसे करके बोले महाप्रभु। अब स्वरूप दामोदर कहे, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इससे ये पता चलता है कि रूप गोस्वामी के ऊपर आपकी विशेष कृपा है, इसलिए आपके हृदय को जान पाया है। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम ये न भूतले, किसी बड़े अच्छे वैष्णव ने थे महाराज थे, उन्होंने बड़ा अच्छा बताया कि महाप्रभु रूप गोस्वामी के हृदय में वास करते हैं और रूप गोस्वामी महाप्रभु के हृदय में वास करते हैं, तो महाप्रभु के हृदय को क्यों नहीं जानेंगे रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी वो हैं जिन्होंने महाप्रभु की शिक्षाओं को रूप दिया। बहुत सुंदर बात बोली, रूप गोस्वामी कौन है, जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को रूप दिया, वो रूप गोस्वामी। महाप्रभु के मनोभीष्ट को जाने वाले रूप गोस्वामी हैं। तो उन्हें कहा कि हाँ, रूप गोस्वामी के ऊपर मेरी कृपा है, मेरा आशीर्वाद है। महाप्रभु ही बोल रहे हैं कि उनको आशीर्वाद मिला हुआ है मेरा। और इस तरह से महाप्रभु रूप गोस्वामी का आलिंगन किया और अपनी शक्ति संचारित की और उन्हें कहा कि आप ब्रज रस का जो रहस्य है, रस तत्व की व्याख्या आपको करनी है। तो इस तरह से रूप गोस्वामी जो है वो अपने ग्रंथों की रचना कर रहे थे और वो जो नाटक है विदग्ध माधव और ललित माधव ग्रंथ की रचना कर रहे थे और ये ग्रंथों की रचना कर रहे थे। एक दिन क्या हुआ, महाप्रभु आए। महाप्रभु ने कहा कि क्या लिख रहे हो आप, दिखाओ जरा। बोले बहुत सुंदर, ओ क्या बात है,
क्या नाम की व्याख्या आपने की है, तुंडे तांडवनी रथि बितुनते तुंडावली लब्धये कर्ण क्रोड कडम्बनी घटयते कर्णार बुदे स्प्रियाम चेत प्रांगण संगनी विजयते सर्वेन्द्रियाणाम कृतिम नो जाने जनिता कियत भीर अमृतये कृष्णेति वर्णद्वयी। बहुत सुंदर श्लोक। ये श्लोक जो है वैसे तो विदग्ध माधव से हैं और रूप गोस्वामी के द्वारा लिखा है। नाम की महिमा बताई है, क्या बताया है, कितना अमृत भरा है इन अक्षरों में, दो अक्षरों में, इन दो अक्षरों में, कृष्ण के दो अक्षर, कृष्ण नाम में दो अक्षर है, इन दो अक्षरों में कितना अमृत भरा है, कितना अमृत भरा हुआ है। जैसे ये मेरे मुख में जो है नृत्य करता है, जैसे उच्चारण करता हूं मैं तो मेरे मुख में ये नृत्य करने लगता है, तो उस समय मैं लाखों लाखों मुखों की आशा करता हूं। हमारी हालत कैसी है देखिए, बिल्कुल उल्टी है, विपरीत। कब माला पूरी होगी, एक दो तीन, और उसके बाद, और जैसे ये कर्ण रंध्र से प्रवेश करता है ये पवित्र नाम हरि नाम, तो क्या होता है उस समय लाखों करोड़ों अरबों खरबों करोड़ों की मैं आशा करता हूं, एक या दो की नहीं, दो ही हमारे लिए भारी पड़ रहे हैं। और जैसे ही ये मेरे मन में प्रकट होता है, कैसे, एक मेरे संगी की तरह, है ना, संगी की तरह, चेत प्रांगण संगनी, चेत प्रांगण संग, मेरे चित्त में जब प्रकट होता है संगनी के समान प्रकट होता है, तो इटर्नल कंपेनियन की तरह प्रकट होता है, तो क्या होता है, सर्वेन्द्रियाणाम कृतिम, मेरे सारे इंद्रियों के पर विजय प्राप्त कर लेता है। इनॉट सर्वेन्द्रियाणाम कृति का मतलब ये मेरी इंद्रियां सारी स्तब्ध हो जाती, विजय प्राप्त कर लेता है, स्तब्ध हो जाता हूं मैं इस नाम उच्चारण से। तो ये महाप्रभु देखते देखे इतने प्रेरित हुए श्लोक को देखकर, हरदास ठाकुर जो है भावावेश में नृत्य करने लग गए। हरदास ठाकुर नामाचार्य हैं, हरदास ठाकुर ने कहा मैंने तो अनेक ग्रंथ अनेक शास्त्र पढ़े हैं, लेकिन ऐसा वर्णन ऐसी व्याख्या भगवान कृष्ण के नामों के बारे में मैंने आज तक ना सुनी है ना कही है ना पढ़ी है, ऐसा ना हरदास ठाकुर ने बोला रूप गोस्वामी के इस श्लोक को पढ़कर। तो महाप्रभु ने रूप गोस्वामी हरदास ठाकुर दोनों का ही आलिंगन किया, और उसके बाद फिर अभी तक वो संतुष्ट नहीं हुए चैतन्य महाप्रभु, और परिकरों को बुला लिए, स्वरूप दामोदर रामानंद राय जो रस शास्त्र में बड़े पारंगत हैं बड़े दक्ष हैं, और उन्होंने कहा रूप गोस्वामी से कि वो जरा अपने जिस नाटक से दो नाटकों से कुछ और भी पंक्तियां पढ़ें ताकि ये लोग भी आस्वादन कर सकें। स्वरूप दामोदर रामानंद राय जब सुनेंगे तो वो तो गदगद हो जाएंगे, भैया रूप गोस्वामी तो बहुत बड़े रसाचार्य हैं। हाँ, तो रामानंद राय ने क्या बोला, बोलते ये कविता नहीं है, ये तो अमृत की धारा है, ये केवल काव्य शास्त्र नहीं है, ये तो अमृत की धारा है। और उसके बाद बोलते हैं हर प्रकार से ये पूर्ण है, सिद्ध है, दक्ष है, परफेक्ट है। तो इसलिए तो इस तरह से मतलब हमारी सीमाओं से परे हमें आनंद प्रदान कर रहा है, ये आनंद इतना आनंद प्रदान कर रहा है हमें। तो इस प्रकार जो है मतलब बहुत प्रशंसा कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। अब चैतन्य महाप्रभु, अब रूप गोस्वामी जो है अगले 10 वैरों के लिए महाप्रभु के पास रहे नीलाचल, और इसके बाद फिर वो अब पूरी तरह से मग्न हो गए थे भक्ति शास्त्रों की रचना करने के लिए, ग्रंथों की रचना के लिए। महाप्रभु चाहते ही थे कि वो ग्रंथों की रचना कर ले, महाप्रभु का आशीर्वाद मिला हुआ था। अब महाप्रभु ने वृंदावन जाने के लिए उनको कहा आप जाइए वृंदावन जाइए। तो एक दिन रूप गोस्वामी वृंदावन के लिए निकल पड़े और महाप्रभु ने उनका आलिंगन किया और कहे कि जाइए और रस शास्त्र ग्रंथों की रचना करिए, लीला स्थलियों का पता लगाइए, कृष्ण भक्ति का प्रचार करिए और रस भक्ति का प्रचार करिए, और मैं भी बहुत जल्दी ही वृंदावन आऊँगा और वहाँ पर देखूँगा कि आप क्या कर रहे हैं। तो इस तरह से मैं ले लिया, मैं ले लिया महाप्रसाद। तो रूप गोस्वामी अब वृंदावन पहुंचे थे 1519 में, 1519 में रामकेली में कब मिले थे महाप्रभु, कब निकले थे रामकेली, कौन से वर्ष में, 1514 में। अब 1519 में रूप गोस्वामी जो है वृंदावन पहुंचे थे, और उस समय सनातन गोस्वामी जो है उस समय नीलाचल की तरफ निकले थे,
नीलाचल की तरफ निकले थे, तो इसलिए रास्ते में मिल नहीं पाए वो, क्योंकि सनातन गोस्वामी झारखंड के रास्ते से जा रहे थे नीलाचल, और रूप गोस्वामी जो हैं वो विष्णुपुर के रास्ते से आ रहे थे, यानी कि हाईवे से आ रहे थे रूप गोस्वामी, तो रास्ता अलग अलग था, तो इसलिए रास्ते में मिल नहीं पाए वो। तो रूप गोस्वामी वृंदावन पहुँच गए और सनातन गोस्वामी वहाँ चले गए, और रूप गोस्वामी तो नीलाचल निकल गए थे सनातन गोस्वामी के आने से पहले, यानी कि सनातन गोस्वामी 8 या 10 दिन के बाद पहुंचे थे नीलाचल, रूप गोस्वामी जब निकल गए थे तो 8-10 दिन आगे निकल गए होंगे रूप गोस्वामी, तो 8-10 दिन बाद सनातन गोस्वामी नीलाचल पहुंच चुके थे, तो इसलिए वो मिल ही नहीं पाए आपस में। तो बस अब क्या था कि ऊंचा पद त्यागने के बाद बस सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी को कहाँ पर रहना था, वृंदावन रहना था। अब महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बहुत अधिक समय तक रोका नहीं, इस बार उनको भी कहा कि रूप गोस्वामी निकल चुके हैं, आप भी जाओ, अब आप दोनों भाइयों की जिम्मेदारी है वृंदावन में जाकर ये सब करना है आपने। तो महाप्रभु ने शक्ति देकर कृपा बरसाकर सनातन गोस्वामी को भी वहाँ भेज दिया रूप गोस्वामी के साथ। सनातन गोस्वामी पूरे गौड़िया वैष्णव समाज के आचार्य थे रूप गोस्वामी, इनके देख रेख में जो है पूरा समाज चलना था। सनातन गोस्वामी वास्तव में वो लोगों से मिलना जुलना बड़ा अच्छा था, लेकिन जो व्यवस्था में एक्सपर्ट ज़्यादा थे रूप गोस्वामी, व्यवस्थापन के कार्य में रूप गोस्वामी ज़्यादा दक्ष थे। सनातन गोस्वामी घरों में जाके मिलना, लोगों की समस्या सुलझाना, धीर धीर जना प्रियो प्रिय करो निर्मत सरो पूजितो, तो ये धीर और अधीर दोनों के प्रिय थे सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी, षट गोस्वामी वृंदावन के। तो इसलिए अब कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करते हुए भक्ति शास्त्रों की रचना की उन्होंने, विग्रहों की स्थापना की, मंदिरों का निर्माण कराया, और बहुत ही गंभीरता से और गहन भजन में लग गए, इंटेंस। तो इसलिए 1.5 घंटे केवल विश्राम करते थे 24 घंटे में, एक घंटा 40 मिनट विश्राम करते हैं राधा कृष्ण अपनी लीला में। तो सेवक को अपने स्वामी से पहले उठना चाहिए, इसलिए 1.5 घंटे विश्राम करते, लगभग 22.5 घंटे भजन करते थे, जिसमें उनको ग्रंथों की रचना भी करना था और जिसमें उनको जप इत्यादि भी करना था, लीला शैलियों का पता करना था। तो इस तरह से वो ग्रंथों की रचना करने लगे। महापुरुष सनातन गोस्वामी को पहले बोला था कि मेरे कई ऐसे आएंगे जो साधक हैं, कई भक्त हैं, साधन भजन करने के लिए वृंदावन आएंगे, उनका ध्यान रखना। तो सनातन गोस्वामी के ऊपर जिम्मेदारी थी, लेकिन ये जॉइंट वेंचर था, जैसे मंदिर में अध्यक्ष भी होते हैं उपाध्यक्ष भी होते हैं, है कि नहीं? तो हो सकता है कि अध्यक्ष जो है वो इतने एक्सपर्ट ना हो व्यवस्थापन में, लेकिन उपाध्यक्ष के साथ रहने से हो जाता है काम, इसलिए आवश्यक नहीं कि अध्यक्ष को ही सब कुछ करना है, सेना भी साथ में होती है करने के लिए, तो उनके माध्यम से सब व्यवस्था हो जाती है। तो सनातन गोस्वामी को दी तो थी जिम्मेदारी, अध्यक्ष तो बना दिया था महाप्रभु ने ऑर्गेनाइजेशन मैटर्स में, या जो डिवोटीज आ रहे हैं उनको रहने का खाने का अरेंजमेंट करने में बड़े सारा मैनेजमेंट होता है, लेकिन अधिकांश ये कार्य रूप गोस्वामी ही करते थे। रूप गोस्वामी बड़े एक्सपर्ट थे मैनेजमेंट में, तो हमारी परंपरा में मैनेजर सुने शुरू से ही, ये मत सोचेगा कि बस वो एकांत में जाके भजन कर रहे थे, तो व्यवस्था का कार्य वो भी कर रहे थे, हमारे गुरु महाराज भी यही करते हैं। तो रूप गोस्वामी के पचीनों पर चल रहे हैं हमारे गुरु महाराज। तो इस तरह से जो है कई वर्षों तक इस प्रकार से देख रहे करते रहे भक्तों का, वैष्णवों की सेवा करते रहे। और रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के आने के बाद गोपाल भट्ट गोस्वामी भी आ गए थे वृंदावन, और महाप्रभु कुछ समय के बाद उनका तिरुधान हो गया था। रघुनाथ दास गोस्वामी भी आ गए थे जगन्नाथपुरी से नीलाचल में आ गए थे, और भी कई और वैष्णव आ गए थे, और विग्रहों की स्थापना की गई, और इस तरह से कार्य को आगे बढ़ाया गया। अब देखिए कि गोविंद देव जी का विग्रह जो है वो प्रकट होना था, गोविंद देव जी का विग्रह मिल नहीं रहा था। रूप गोस्वामी लीला स्थलियों में जाते, ब्रज की लीला स्थलियों में अलग अलग वनों में गुजरते, योगपीठ की तलाश कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने पढ़ा था शास्त्रों में कि राधा गोविंद जी तो हैं योगपीठ में विराजमान है, गोविंद देव जी तो विराजमान है योगपीठ में, लेकिन योगपीठ है कहाँ वो नहीं पता चल रहा है। तो महाप्रभु ने बोला भी था रूप गोस्वामी को लीला स्थलियों का पता करें। इस तरह से दर दर भटकते थे,
अब वो अलग अलग स्थानों में जाते थे और विरह में बार बार चिल्लाते थे, हा गोविंद गोविंद, हे गोविंद कहाँ हो आप। हे राधे ब्रज देवी के चललिते, हे नंद सुनो कुता, श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले, कालिंदी वन्य कुता, घोषंता विति सर्वतो व्रजपुरे, खेदेर महावीवलो। तो इस तरह से तो भटक रहे हैं बहुत जगह पर, योगपीठ ढूंढ रहे हैं कहाँ है कहाँ है। तो एक ब्रजवासी लड़का आया, ब्रजवासी लड़के ने कहा आप क्यों चिंता करते हैं बाबा, क्यों रो रहे हैं आप एक काम करो, गोमा टीला जानते हो, वहाँ चले जाओ, केशी तीर्थ में गोमा टीला है और वहाँ पे योगपीठ है, वहाँ रोज एक गाय आती है और वहाँ पे एक गड्ढा है, टीला है, वो गोमा टीला में गाय दूध दे के जाती है रोज, वहाँ एक छेद है गोमा टीला में, उस छेद में गाय जो है दूध देकर जाती है, आप वहाँ जाओ योगपीठ वहाँ मिल जाएंगे आपको, चलो मेरे साथ चलो मैं दिखा दूँ। तो ब्रजवासी लड़का लेके गया रूप गोस्वामी को और कुछ समय के बाद देखा गोमा टीला के पास जैसे ही पहुँचे अदृश्य हो गया वो लड़का। रूप गोस्वामी ने बोले लड़का कहाँ गया, वो ढूंढने लगे, तब समझ में आया साक्षात गोविंद देव जी आए थे वो ग्वाले के रूप में। ब्रजवासियों को इकट्ठा किया, उन्होंने एकत्रित किया, अब जो है उसको खोदा गया, खोदने के बाद धीरे धीरे जरा नीचे गए तो वहाँ पर गोविंद देव जी का विग्रह मिल गया रूप गोस्वामी को। महाराज वज्रनाभ ने स्थापित किया था गोविंद देव जी का विग्रह आज से 5000 साल पहले। महाराज वज्रनाभ जो अनिरुद्ध के पुत्र थे, भगवान श्री कृष्ण के प्रपोत्र, मथुरा के राजा थे वो, और वही एकमात्र जो थे क्या मतलब रह गए थे यदुवंशों में, जिन्होंने भगवान कृष्ण के कई लीला स्थलियों का पता लगाया था, लीला स्थलियों का पुनरुत्थान किया था और कई विग्रहों की स्थापना की थी। महाराज वज्रनाभ के बारे में बताया जाता है कि 4 देव उन्होंने स्थापित किए, हरिदेव, बलदेव, गोविंद देव और केशवदेव। केशवदेव मथुरा में है, जन्मभूमि के बिल्कुल सामने। बलदेव हैं दाऊ जी, हरिदेव हैं गोवर्धन में, मानसी गंगा के बिल्कुल पास हरिदेव। लेकिन हरिदेव जो मूल विग्रह है वो राजस्थान में कहीं है, ये विग्रह प्रतिभू विग्रह हैं मानसी गंगा के पास। हाँ होकल के देखिए गूगल मिल जाएंगे आपको, हरिदेव, बलदेव, गोविंद देव और केशवदेव और श्रीनाथ जी, गोपीनाथ जी और दो गोपाल, तो 2 नाथ हो गए, 4 देव हो गए, गोपीनाथ हो गए, श्रीनाथ हो गए और कौन, 2 गोपाल, साक्षी गोपाल और मदन गोपाल, ये सब स्थापित किए थे महाराज वज्रनाभ के द्वारा। और भी स्थापित किए गए, जैसे वृंदा देवी का था विग्रह, वो भी उन्होंने स्थापित किया था, गोपेश्वर महादेव वो भी उन्होंने स्थापित किए थे। तो इस प्रकार बहुत सारे विग्रहों की स्थापना की थी। अब हुआ क्या, ये सब विग्रह की स्थापना, गोविंद देव जी तो मिल गए, अब गोविंद देव जी को स्थापित किया गया, रूप गोस्वामी ने गोविंद देव जी का विग्रह की सेवा प्रारंभ करवाए और वहाँ पे एक पुजारी नियुक्त किया। होता क्या था, मंदिर का निर्माण करवाते थे, विग्रह की स्थापना होती थी, फिर चले जाते थे मन में, ऐसा नहीं कि भाई उन्होंने अपना VIP रूम बना के वहीं रहने लग गए रूप गोस्वामी। मंदिरों का कार्य पूरा हुआ, विग्रह की स्थापना की, आगे चलो। प्रभुपाद जी ये कहते थे, ये जो मंदिर मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि प्रभुपाद ने कहा कि उन दिनों मतलब प्रभुपाद ने बहुत सेवा की, अपने ही शिष्यों की सेवा की, शुरू के दिनों में शिष्यों ने कहा कि प्रभुपाद ने हमारी आपने बहुत सेवा की थी, अब हमें लग रहा है हमें तो बड़ी शर्म आ रही है आपसे इतनी सेवा हमने ली। प्रभुपाद ने कहा क्या कह रहे हो, तो मैं तो अभी भी तुम्हारी सेवा कर रहा हूँ, इतने सारे जो मंदिर मैंने बनाए हैं ये तो आप लोगों के लिए बनाए हैं, आप लोग रह रहे हो यहाँ पर, वो सुविधाएँ आपके लिए हैं, मैं तो किसी भी मंदिर में 2 या 3 दिन से ज़्यादा नहीं रुकता। फिर प्रभुपाद ने कहा आई एम लाइक द 6 गोस्वामीज ऑफ वृंदावन। तो इस तरह से और उसके बाद फिर जब रूप गोस्वामी ने ये संदेशा भिजवाया गोविंद देव जी के विग्रह के बारे में महाप्रभु को, तो महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए सुनकर, ये समाचार सुनकर कि गोविंद देव जी का विग्रह प्राप्त हो गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई है उनकी फिर से। और उसके बाद महाप्रभु ने काशीश्वर पंडित को कहा जगन्नाथपुरी में कि आप जाइए वृंदावन।
उनका नहीं नहीं महाप्रभु मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं आपके विरह में नहीं रह पाऊंगा, जीवित नहीं रह पाऊंगा। महाप्रभु नहीं, महाप्रभु आप ऐसा मत करिए, महाप्रभु मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। तो काशी सरपंच ने कहा, महाप्रभु ने कहा देखो ऐसा है, आप चिंता मत करो। उसी समय गोविंद देव जी गौर गोविंद का विग्रह प्रकट कर दिया महाप्रभु ने, बोले गौर गोविंद में और मुझ में कोई अंतर नहीं है, ले जाओ उनकी सेवा करो उतना ही लाभ मिलेगा। फिर भी संतुष्ट नहीं हुए। अच्छा तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है, ठीक है, महाप्रभु और गौर गोविंद एक साथ बैठे, दोनों ने एक साथ भोजन स्वीकार किया। तब उनको लगा रहे बाप रे बाप, तो गौर गोविंद के साथ बैठ के प्रसाद ले रहे हैं, प्रसाद मतलब भोग स्वीकार कर रहे हैं। तब काशीश्वर पंडित को विश्वास हुआ कि वास्तव में माने काशीश्वर पंडित भी महाप्रभु के गुरु भाई थे ना, जैसे गोविंद है। काशीश्वर पंडित जो है बहुत स्ट्रांग व्यक्ति थे, महाप्रभु को महाप्रभु की रक्षा करते थे क्राउड से भीड़ से, और जगन्नाथ रथ यात्रा में जो भक्त आते थे उनकी व्यवस्था के लिए रहने की प्रसाद की व्यवस्था भी करते थे काशीश्वर पंडित। तो काशीश्वर पंडित के लिए गौर गोविंद विग्रह दिया, और वही गौर गोविंद विग्रह आज गोविंद देव जी के विग्रह के साथ ही है, जयपुर में है, देखा आपने। राधा गोविंद देव जी के विग्रह के बाईं तरफ देखिए एक छोटा विग्रह है गोल्ड का, गोल्ड है वो पूरा, सोने का विग्रह है, वो महाप्रभु ने दिया था काशीश्वर पंडित को। देखिएगा कभी जयपुर जाएंगे या फोटो में देखिए। तो गोविंद देव जी के बारे में बड़ी प्रशंसा की गई है, गोविंद देव जी जो हैं इतने सुंदर हैं। रूप गोस्वामी बोलते हैं जैसे गोविंद देव जी का दर्शन कर लिया एक बार, बस संसार उसके लिए फीका पड़ जाए। क्या बताया उन्होंने, बहुत सुंदर बात बताई रूप गोस्वामी ने, भक्ति रसाम सुंदर में इसका व्याख्या कर रहे हैं। स्मेरान भंगी त्रया परिचिताम साची विस्तीर्ण दृष्टिम वंशी नस्ताधर किशल्याम उज्ज्वलाम चंद्रकेण गोविंदाख्यम हरितनुमिता केशी तीर्थोपकंठे माँ प्रेक्षिस्थास्तव यदि सखे बंधु संगेस्ती रंग। सखे सखे यदि तुम्हारी स्त्री पुरुष बांधु बांधुओं के साथ रंगरेलियां करने की इच्छा है तो केशी तीर्थ के समेत गोविंद नामक उस हरि के शिविर के दर्शन ना करना। जो मयूर पुच्छ से अलंकृत मंद मंद मुस्काते त्रिभंगी मुद्रा में वहां खड़ा है, जिसका बंकिम विशाल नेत्र है और जिसके अधरों पर मधुर मुरली शोभायमान है, क्योंकि उसे एक बार देख लोगे तो बंधु बांधवों को भूल बैठोगे। मत जाना केशी तीर्थ, गोविंद देव जी का दर्शन मत करना। जिसने गोविंद देव जी का दर्शन कर लिया वो इस संसार का नहीं रहेगा फिर। इसलिए लोग डरते हैं भक्तों को भेजने में मंदिर, हरे कृष्णा में जा रहे हो, नहीं नहीं मत जाना भाई वहां, वैष्णो देवी जाना तो चले जाओ। वैष्णो देवी जाके लोग वापस आ जाते हैं, हरे कृष्णा जाते यद गत्वा निवर्तन्ते तद धामा परमा ममा, जो यहाँ आता है वापस नहीं जाता है फिर घर, और घर भी जाता है फिर वापस आ जाता है, और घर भी जाता है तो घर को भी मंदिर बना लेता है, ये समस्या है। तो इसलिए गोविंद देव जी के निकट जाएंगे तो ये समस्या है। तो रूप गोस्वामी चेतावनी दे रहे हैं, वेरी 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 केयरफुल वार्निंग दे रहे हैं आपको, ये ध्यान रखना है, तो बड़ा अच्छा है। और उसके बाद बताया चैतन्य चरितामृत में कि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने गोविंद देव जी के विग्रह के लिए, गोविंद देव जी के लिए बहुत सुंदर मंदिर बनाया। क्या नाम था उनका, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, राजा मानसिंह, राजा मानसिंह अकबर के कमांडर इन चीफ थे। और अकबर में एक खूबी थी, जी गोस्वामी ने लिखा है अपनी राइटिंग में कि अकबर के राज्य में सब वैष्णव बड़े खुश हैं। अकबर ने लाल पत्थर दिया था मंदिर बनाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, और 130 बीघा जमीन भी दी थी, वो लैंड भी फ्री दिया था मंदिर कंस्ट्रक्शन के लिए, जमीन और पत्थर दोनों दे दिए अकबर ने राजा मानसिंह के माध्यम से। तो इस तरह से गोविंद देव जी का विग्रह बना और ये जो मंदिर बन गया। अब क्या हुआ, गोविंद देव जी कई समय तक, बहुत समय तक अकेले रहे, राधा रानी नहीं थी, मदन मोहन जी के साथ भी राधा रानी नहीं थी, गोविंद देव जी के साथ भी राधा रानी नहीं थी, गोपीनाथ जी के साथ भी राधा रानी नहीं थी। अब उड़ीसा के एक राजा हुए थे भक्ति रत्नाकर में वर्णन है, उनका नाम था पुरुषोत्तम जाना, महाराज प्रताप रुद्र की तरह वो भी बहुत बड़े भक्त थे। उनको लगा गोविंद देव जी के साथ विग्रह है नहीं, मदन मोहन जी के साथ विग्रह है नहीं राधा रानी के, तो उन्होंने दो सेट भिजवाए राधा रानी के वृंदावन। वृंदावन जब पहुंचे तो मदन मोहन जी के पास दोनों ही पहुंच गए, एक छोटे विग्रह थे एक बड़े।
मदन मोहन जी के सपने में, मदन मोहन जी सपने में आए पुजारी के और कहने लगे ये जो तो विग्रह आए हैं इनको यहीं रख लो, आगे मत जाने देना, राधा रानी छोटी हैं बाईं तरफ रख दो, ललिता जी बड़ी हैं उनको दाईं तरफ रख दो, ठीक है, गोविंद देव जी का बाद में देख लें। तो आगे गए नहीं, अब पुरुषोत्तम जाना को मिल गया समाचार कि भई वहीं रोक लिया है मदन मोहन जी ने, उसको आगे जाने नहीं दिया है, पुजारी को सपने में आए थे वो, तो उन्हें कहा अच्छा फिर मैं कहाँ से लाऊं गोविंद देव जी के लिए विग्रह, राधारानी को ढूंढते रहे, अब उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में वहाँ जगन्नाथ जी तो मिल जाएंगे हर घर में, राधारानी नहीं मिलती वहाँ पे। तो एक जगन्नाथपुरी के पास ही एक गाँव है पुरी के पास जिसका नाम था चक्रबेड़ा, वहाँ एक विग्रह की पूजा होती थी, गाँव वाले लेके उस विग्रह की पूजा करते थे लक्ष्मी समझ कर। तो लक्ष्मी जी आए पुरुषोत्तम जाना के सपने में, राजा के सपने, उन्होंने कहा महाराज यहाँ के लोग मेरी सेवाएं लक्ष्मी समझकर कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूँ मैं लक्ष्मी नहीं हूँ, मैं राधा हूँ, और मेरे स्वामी गोविंद देव जी आ चुके हैं वृंदावन, मुझे आप पहुँचाइए वहाँ पर, हमें अच्छा नहीं लग रहा यहाँ पर अकेले के। उन्होंने कहा अच्छा, बस चक्रबेड़ा पहुँचे, तुरंत सेना लेकर मंत्रियों को लेकर राधारानी को उठाया उन्होंने, लोग हैरान हो गए, उन्होंने कहा ये क्या हो रहा भाई, राजा उठा के ले गया, चलो राजमहल में रखेंगे जो भी है, सेवा अच्छी होगी उनकी, वो ले गए और उन्हें भिजवा दिया। इस तरह से गोविंद देव जी के साथ वो राधा रानी आई हैं वृंदावन में, तब से सेवा हो रही है। और उसी समय रूप गोस्वामी ने, ये जब गोविंद देव जी के विग्रह की स्थापना होगी, राधारानी भी आ गई, तो राधारानी की प्रशंसा में उन्होंने एक स्तुति लिखी स्तंभमाला में है, स्तंभमाला जो ग्रंथ है स्तुतियों से भरा हुआ है, रूप गोस्वामी के द्वारा लिखित है, उसमें एक स्तुति है चटू चाटू पुष्पांजलि, क्या है चाटू पुष्पांजलि, तो क्या लिखा है पहले श्लोक में क्या लिखा है, नव गोरचना गौरी प्रवेंद्री वराम्बरम मणिस्तवक विद्योति वेणी वेलंगना फनम, ओ क्वीन एज फेयर एज अ फ्रेश गोरचना, गोरचना की कांति है, ओ क्वीन उस गारमेंट्स आर स्प्लेंडेड ब्लू लोटस, तो क्वीन किसको कह रहे हैं राधा रानी को, तो क्या है उनका, उनके जो वस्त्र हैं कैसे हैं ब्लू लोटस के समान, नील कमल के समान, और क्या क्वीन उस ग्लिसनिंग ज्वेल एंड फ्लावर डेकोरेटेड ब्रेड्स, रत्नों से जड़ित उनके जो है क्या है वेणी है, पुष्पों से जड़ित रत्नों से जड़ित उनकी वेणी है, और कैसे दिखाई पड़ती है सर्प के समान, ये क्या लिख दिया भाई वेणी वलंगना फलम। तो सनातन गोस्वामी ने पढ़ा, सनातन गोस्वामी ने कहा ये क्या बात लिख दी आपने, आप अच्छा तो लिखते हैं रूप, लेकिन ये बात हमें जची नहीं कि आपने राधारानी की तुलना वेणी की तुलना सर्प से कर दी। उनका श्रीपाद क्षमा करिए गलती हो गई मुझसे, मर्यादा का पालन करते हैं ऐसे नहीं तर्क नहीं कर रहे हो, वो ये नहीं बता रहे मेरा भाव क्या है ये क्या है ना, तो जब मर्यादा का पालन करना होता है तो भाव को शांत रखना चाहिए हमने। तो फिर उसके बाद सनातन गोस्वामी अपनी लीला स्फूर्ति में लगे थे, जब कर रहे थे भजन अलाचानक लीला स्फूर्ति हुई उनको, सामने झूलन देखा, झूलन यात्रा का समय चल रहा है तो राधा कृष्ण का झूलन हो रहा था उस समय, और झूलन में क्या देखा राधा कृष्ण झूल रहे हैं, राधारानी झूल रही हैं, कृष्ण तो नहीं थे उसमें, राधारानी झूल रही हैं और सखियाँ भी झूला रही हैं उनको, और जब झूला रही तो पीछे का हिस्सा दिख रहा है वेणी दिख रही है राधारानी की, सनातन गोस्वामी को लीला में राधारानी की वेणी ऐसे ऐसे हिल रही है, वो देख कर डर गए सनातन गोस्वामी, सनातन गोस्वामी भागे भागे लाली लाली सर्प सर्प, और राधारानी पीछे देखी, सखियों ने पीछे देखा, सब हंसने लगी जोर जोर से, अरे सर्प नहीं है बाबा ये तो वेणी है राधारानी की। तो ये जो वेणी है वास्तव में वेणी से आकर्षित होकर इस वेणी ने क्या किया है, डस लिया है, किसको डस लिया है कृष्ण को डस लिया है, ये वेणी अप्राकृत है और ये महाभाव से परिपूर्ण है, और इस वेणी का दर्शन करके जो है कृष्ण जो है आकर्षित हो रहे हैं प्रभावित हो रहे हैं, तो वेणी रूपी सर्प ने कृष्ण को डस लिया है, आप समझ इस बात को, तो वेणी जो है साधारण वेणी नहीं है, वो साधारण केश नहीं है, वो महाभाव स्वरूप नहीं है राधा रानी, तो उनकी वेणी भी महाभाव स्वरूप है,
तो इस तरह से समझे सनातन गोस्वामी, उन्होंने कहा अरे भैया ये तो गलती हो गई। उन्होंने कहा रूप तुमने बिल्कुल ठीक लिखा, मुझसे गलती हो गई, क्षमा करना। तो इस तरह से रूप गोस्वामी को लीला स्फूर्ति होती। तो 1590 में महाराज मानसिंह, राजा मानसिंह ने गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया था 1590 में। तो और उसके बाद फिर बाद में हम जानते हैं कि 1614 में मानसिंह की मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद मानसिंह के जाने के 100 साल तक मंदिर रहा, ठीक रहा, 7 मंजिला मंदिर था वो, बढ़िया से चल रहा था, सेवा पूजा सब कुछ चल रही थी वहाँ पर। उसके बाद बादशाह औरंगजेब आए और आगरा का किले में खड़े रहे लाल महल में, और के एक मंत्री ने बोला महाराज जहाँ पना देखिए, आप देखिए सूर्यास्त हो चुका है, प्रकाश दिख रहा है आपको, दिया जलाया गया है उस मंदिर के ऊपर, आपके महल से ऊंचा है कि नहीं किले से, जहां अपना ये तौहीन है, ये हमारी तौहीन है। अरे क्या हमारे किले से ऊंचा बना दिया उन्होंने, तोड़ डाला उसको। और होते ऐसे चेले चपाटे आसपास घूम रहे होते हैं, हमेशा कान भरते रहते हैं, नहीं तो कान भर दिया औरंगजेब का, आक्रमण, बस वृंदावन के सारे मंदिर तोड़ने लगा वो, धड़ाधड़ मदन मोहन जी, गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, सारे मंदिर तोड़ दिए उसने। और गोविंद देव जी को ले गए, कहाँ ले गए, जयपुर ले गए, सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह जो थे उस समय, महाराज जय सिंह जो थे जिन्होंने जयपुर का निर्माण किया था, उन्हीं के नाम से जयपुर पड़ा है। तो महाराज जय सिंह ने जो अपना महल बनाया था वो बिल्कुल मंदिर के सामने, ताकि रोज मैं राधा गोविंद देव जी का दर्शन कर सकूं। महाराज जय सिंह गोविंद देव जी के बहुत बड़े भक्त थे, और उन्होंने अपने सोने की जो मुद्रा थी उसमें लिखवाया महाराज अधिराज श्री गोविंद देव जी दीवान महाराज जय सिंह, उस मुद्रा में लिखवाया। इसका मतलब क्या है, उसका मतलब यह है कि गोविंद देव जी जो है वो शासक है इस राज्य के, और हम क्या हैं, दीवान हैं, हम उनके सेवक। तो गोविंद देव जी को आज भी जयपुर का राजा ही माना जाता है, वही भाव है। तो इस प्रकार तो 1729-48 के बीच में भक्तों ने वृंदावन में गोविंद देव जी का प्रतिविग्रह स्थापित किया, जो मंदिर है वहाँ स्थापित किया गया था। और उसके बाद 1819 में एक थे नंद कुमार बाबू, उन्होंने पास में एक और मंदिर बनाया, फिर गोविंद देव जी का विग्रह वहाँ पर स्थानांतरित हुआ। तब से गोविंद देव जी वहाँ पर हैं आज तक, जो प्रतिभू विग्रह है, मूल विग्रह कहाँ है, जयपुर में। तो इस तरह से बताया गया। तो रूप गोस्वामी जो हैं अपनी विद्वत्ता, अपनी विनम्रता, अपनी योग्यता, अपनी दक्षता, शास्त्रों में निपुणता, इसके लिए बड़े सुविख्यात थे रूप गोस्वामी। और रूप गोस्वामी कई ग्रंथों की रचना करते थे। और एक बार क्या हुआ, भक्ति रत्नाकर में बहुत सुंदर प्रसंग आता है। एक बार श्रीपाद वल्लभाचार्य आए रूप गोस्वामी के पास। रूप गोस्वामी उस समय ग्रंथ की रचना कर रहे थे भक्ति रसामृत सिंधु, और उन्होंने देखा बहुत सुंदर, आपने बहुत सुंदर लिखा है, यहाँ पर बहुत अच्छा लिखा है, भुक्ति मुक्ति स्प्रिहा यावत पिशाची हृदय वर्तते तावत भक्ति सुख से यात्रा कथम अभ्युदय भवे। उन्होंने कहा कि वास्तव में जब तक भुक्ति मुक्ति की इच्छा रहेगी आपको भक्ति का सुख नहीं प्राप्त होगा। और ये मुक्ति की तुलना उन्होंने किससे की, पिशाची से, मुक्ति की स्प्रिहा से पिशाची की तुलना की। वल्लभाचार्य ने देखा, उन्होंने कहा कि आपने बड़ा अच्छा तो लिखा लेकिन ये बात हमें जची नहीं कि आपने मुक्ति को पिशाची कहा है, स्प्रिहा शब्द पर ज़्यादा जोर नहीं दिया, उन्होंने ध्यान नहीं दिया उस पर, विशेष ध्यान नहीं दिया उन्होंने। तो उन्होंने कहा मुक्ति क्यों पिशाची बोल दिया आपने, तो उन्होंने कहा आप ऐसा करिए इसको ऐसे लिखिए व्यापनोति हृदयम यावत भुक्ति मुक्ति स्प्रिहा गृह, इसका अर्थ लगभग वही निकलता है, व्यापनोति हृदयम यावत भुक्ति मुक्ति स्प्रिहा गृह, आप इसको ऐसे लिख लीजिए। रूप गोस्वामी सब जानते हैं वो गलत नहीं लिख रहे हैं,
लेकिन देखिए क्या शिष्टाचार मर्यादा का पालन किया रूप गोस्वामी ने। उन्हें ये नहीं कहा कि मैं जानते हूँ मैं कौन हूँ, आप जानते हैं आप किससे बात कर रहे हो, आप सीनियर हो सकते हैं पर इस समय पूरे गौड़िया वैष्णव समाज का मैं आचार्य हूँ, सो यू शुड बी केयरफुल टॉकिंग टू मी। मैं चाहूँ तो आपको दो मिनट में आपको जो है फिनिश कर सकता हूँ शास्त्रार्थ में, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता हूँ, दैट इज माई ह्यूमिलिटी। लेकिन रूप गोस्वामी ने तत्काल ही स्वीकार कर लिया अपनी गलती, गलती ना होने पर भी गलती स्वीकार करना ये बहुत बड़ी विनम्रता है। गलती हो तो स्वीकार कर लें तो चलो विनम्र हैं आप, लेकिन गलती ना होने पर गलती स्वीकार करना उसके लिए कितनी विनम्रता चाहिए। हमारी तो कोई गलती नहीं थी प्रभु जी, हमें ऐसी डांट दिया गया है ना, बात बात पर हमें डांट देते, हमसे तो कोई गलती होती नहीं है। तो यहाँ पर ऐसे ही हुआ, रूप गोस्वामी जो है अत्यंत विनम्र, उन्होंने कहा श्रीपाद आपने बिल्कुल सही कहा, क्षमा करेगा मैं इसमें संशोधन कर देता हूँ। और उसके बाद फिर श्रीपाद वल्लभाचार्य स्नान करने के लिए चले गए यमुना जी की तरफ। जी गोस्वामी पंखा कर रहे थे, जी गोस्वामी की सेवा यही थी, ग्रंथों की रचना में सहायता करते थे, निजी कार्यों में भी वो सहायता करते थे। उन्होंने कहा उनसे सहा नहीं गया, उन्होंने कहा दिस टू मच, हमारे गुरुदेव का अपमान हुआ है, गुरुदेव की मर्यादा का रक्षा करना शिष्य का कर्तव्य है, हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, हम भी जाएंगे यमुना जी में, पीछे गमछा लेके चल दिए वो भी। उन्होंने कहा श्रीपाद मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ स्नान के लिए। हाँ हाँ चलो चलो, तो चले वहाँ पर, वो देखा ये शिष्य साथ में पंखा कर रहा था, इच्छा है इसकी चलने की साथ में, चलो बेटा तुम भी चलो। अब वल्लभाचार्य बहुत वरिष्ठ वैष्णव ब्राह्मण हैं, महाप्रभु से भी उम्र में बहुत बड़े हाँ, और जी गोस्वामी केवल 19 साल के थे उस समय, बहुत छोटे हैं, वेरी यंग, लव्स लाइक ग्रैंड सन। और वो बहुत वरिष्ठ वैष्णव आचार्य वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख आचार्य स्नान करके निकले। उन्होंने कहा श्रीपाद एक बात कहूँ, हमारे गुरुदेव ने बिल्कुल सही लिखा है। क्या कहना चाहते हो बेटा तुम, क्या कहना चाहते हो जी? श्रीपाद बात यह है कि वास्तव में उन्होंने मुक्ति मुक्ति को पिशाची नहीं कहा है, उन्होंने मुक्ति को पिशाची नहीं कहा है, उन्होंने जो मुक्ति की स्प्रिया है उसको पिशाची कहा है। आप देखिए ध्यान से, मुक्ति की स्प्रिया को पिशाची कहा उन्होंने, क्योंकि वल्लभाचार्य ने कहा देखिए मुक्ति तो चिरसंगनी है, हाँ ये तो हर भक्त चाहता है कि संसार से मुक्त हो जाए, वो भगवत सेवा में लग जाए, आपने मुक्ति को पिशाची कह दिया, क्या मुक्ति इतनी घिनौनी है क्या? तभी शिला जी गोस्वामी ने कहा कि हमारे गुरुदेव ने मुक्ति को पिशाची नहीं कहा, जो मुक्ति की स्प्रिया है उसको पिशाची कहा है। ओए के देख के हैरान हो गए, क्या बात बोली है, ओ अच्छा 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 ये बात है, मुक्ति को नहीं मुक्ति की इच्छा को स्प्रिया को पिशाची बोला है, अरे हमसे तो बहुत गलती हो गई, चलो चलो आपके गुरुदेव के पास चलते हैं हम, श्रीपाद क्षमा करेगा हमसे गलती हो गई है, आपका लड़का बड़ा होनहार विद्वान है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि भविष्य में यह आपका शिष्य जो है पूर्ण संपूर्ण गौड़िया वैष्णव समाज का प्रमुख आचार्य बनेगा, बहुत दक्ष है इस शास्त्रों में। रूप गोस्वामी को अच्छा नहीं लगा, रूप गोस्वामी ने कहा ठीक है अभी बता दो तुम्हें, जाने दो उनको। तो रूप गोस्वामी चुप रहे, कुछ बोले नहीं, वो क्या बोलते, वो तो पहले भी चुप थे अब भी चुप थे। अब जी गोस्वामी को बुलाया, जीव इधर आओ, क्या कहा तुमने, क्या बातचीत हुई और आप क्यों गए वहाँ पर, क्या करने गए थे आप उनके साथ? उन्होंने कहा कि महा श्रीपाद गुरुदेव मैं गया था यमुना जी में, मैंने सोचा मैं भी उनके साथ जाऊँ स्नान कर लूँ और उनसे कुछ बात पूछनी थी, मुझे अच्छा नहीं लगा कल जो उन्होंने कहा कि आपने गलती की है, शास्त्र ठीक से लिखा नहीं है, श्लोक मुक्ति को पिशाची कह दिया है। मैंने उनको बताया कि हमारे गुरुदेव ने गलती नहीं की है, उन्होंने तो मुक्ति की स्प्रिया को पिशाची बोला है, मैंने सोचा ये मेरा कर्तव्य है शिष्य होने के नाते। अब भक्ति रत्नाकर में देखिए क्या शब्द बोले हैं, रूप गोस्वामी ने क्या बोला जी गोस्वामी को। आजकल हमारे जो गुरुदेव हैं, हमारे गुरुजन कितने मतलब कृपालु हैं, दयालु हैं, डांटते ही नहीं हमें गलती होने पर भी,
नहीं, लेकिन हाँ देखिए प्राचीन समय में या उस समय में जो गुरु होते थे कितने हैवी होते थे, सुपर हैवी। क्या बोले ये शब्द में एज इट इज पढ़ रहा हूं, बट जी आए थे हमारे पास दयावश और मेरे लाभ हेतु उन्होंने मेरे रचना में संशोधन किया था। तुमसे सहन नहीं हो पाया, तुमसे सहन नहीं हो पाया, तुम्हें क्रोध आया, तुम्हें क्रोध पे क्रोध नहीं आया, बहुत गुस्सा हो गया था उससे, तुम्हें क्रोध पे क्रोध नहीं आया, तुमसे सहन नहीं हो पाया, किस तरह का वैराग है तुम्हारा ये, बहुत जल्दी तुमने वैराग ले लिया है, तुम वृंदावन में रहने के लायक नहीं हो, निकल जाओ यहां से, मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहता हूं, और तब वापस आना जब तुम क्रोध के पर विजय प्राप्त कर लो और वैराग जीवन के लिए अपने आप को योग्य बना लो। गेट आउट। इतने हैवी होते थे, डोंट शो मी योर फेस, गेट आउट फ्रॉम वृंदावन। ऐसा हमारे गुरुदेव कह देंगे तो अब जी गोस्वामी ने ये नहीं कहा कि ये नहीं सोचा हमारी तो कोई गलती नहीं थी, हमने तो गुरुदेव की मर्यादा की रक्षा के लिए सब किया था, हमें ही भगा दिया वहां से वृंदावन से। देखिए कलयुग है, सब हो रहा, अन्याय हो रहा है, हमारे साथ भी अन्याय हो गया, ठीक है चले जाते हैं, हम क्या करें फिर। और नंद घाट में चले गए शिला जी गोस्वामी, वहां पर एक मगरमच्छ की गुफा में रहने लगे और वहां पर अयाचक वृत्ति के बिना कुछ मांगे खाए जीवन व्यापन करने लगे, बहुत गौर तपस्या अधमरे से हो गए। और एक दिन समय की बात है, सनातन गोस्वामी वहीं से गुजर रहे थे और सनातन गोस्वामी ने कहा जी को देखकर, जी पहले तो एक गए थे वहां ब्रजवासी के घर में, ब्रजवासियों के घर जाते थे सनातन गोस्वामी, राधेश मधुकरी तो वहां कृष्ण कथा होगी, मैया जो है झाड़ू मार रही थी कुटिया में, मैया ने कहा, मैंने कहा बाबा एक बात कहूं, आप तो मधुकरी कर लेते हो, एक और बाबा हैं जो यमुना जी के तट पर लेटे हैं, अधमरे से हो गए हैं, जाके उनको भी देख लो, अयाचक हैं वो, मांगते नहीं किसी से खाकर, जाके उनको देख लो, मिल लो उनसे। सनातन गोस्वामी चुप, ये कौन है बाबा, हम तो मधुकरी करते हैं, मधुकरी भी नहीं करता है ये, तो भैया कोई ऊंच कोटि का वैष्णव होगा। पहुंचे तो जीव को देखा तो बाप रे, वो एकदम से बहुत झटका लगा उनको, बहुत दुखी होकर, ये क्या हालत बना रखी है तुमने जीव, ये क्या हो गया तुम्हें, ये क्या हालत बना रखी है, क्या कर दिया तुमने अपने साथ, चलो चलो मेरे साथ। नहीं नहीं गुरुदेव, बोले श्रीपाल मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, मैंने अपने गुरुदेव के चरणों में बहुत बड़ा अपराध किया है, मुझे तो अपने प्राण त्याग देने चाहिए, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है, मुझे आप छोड़ दें श्रीपाल। तो सनातन गोस्वामी ने कहा ये तो जाएगा नहीं, मुझे जाके पहले तो गोस्वामी से मिलना होगा, उनको समझाना पड़ेगा भैया तो अन्याय हो रहा है इसके साथ, ये तो प्राण त्याग देगा, ये तो अभी जाना नहीं चाहता है। अलग ठीक है, रू गोस्वामी के पास पहुंचे, रू गोस्वामी से कथा कर रहे थे, नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवन, यही छाड़ी धर्म नहीं सुन सनातन। महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को कहा कि नाम में रुचि होनी चाहिए, वैष्णव की सेवा करनी चाहिए और जीवों के प्रति दया दिखानी चाहिए, यही श्रेष्ठ धर्म है। अच्छा आज के लिए कथा को यही विराम देते हैं, कल फिर मिलेंगे। सनातन गोस्वामी आए रूप गोस्वामी के पास, कहा रूप एक बात बोलो, अरे श्रीपाद आप बताइए बताइए। सनातन गोस्वामी ने कहा देखो रूप, कथा तो बहुत अच्छी करते हो आप, और आपने ये भी कहा कि जीव के प्रति दया दिखानी चाहिए, आपके अपने जीव के प्रति दया नहीं है क्या, अपने जीव के प्रति भी तो दया करो। रूप गोस्वामी एकदम रोने लग गए, उन्होंने कहा कहाँ गया जीव, मैं तो इतने दिनों से उसका इंतजार कर रहा हूँ, ग्रंथों की रचना ही नहीं कर पा रहा हूँ मैं, भक्ति रसाम शुद्ध ग्रंथ जहाँ पे लिख के छोड़ा था वहीं रह गया, एक अक्षर आगे निकल नहीं लिख नहीं पाया जब से जीव यहाँ से गया है, कहाँ गया जीव कहाँ गया, रोने लग गया एकदम से। मैं अभी मिलकर आया हूँ रूप गोस्वामी से, बोल रूप मैं अभी मिलकर आया, कहाँ पर, नंद घाट में है, अधमरा से लेटा हुआ है, कुछ खा नहीं रहा है,
केवल हड्डियों का ढांचा रह गया, कंकाल ही रह गया है, कभी भी प्राण त्याग देगा, लेकिन जब तक तुम नहीं कहोगे तब तक वापस नहीं आएगा। तो जी रूप गोस्वामी ने कहा कि मैं अभी पत्र भेजता हूँ। कृष्णदास एक वही थे, एक वही भक्त थे, बुलाया, उसको चिट्ठी लिख के दी, जल्दी वापस आओ, ये मेरी आज्ञा है। वो चिट्ठी लेकर पहुँचा जी गोस्वामी के पास। जी गोस्वामी ने देखा, गुरुदेव मुझे बुला रहे हैं, गुरुदेव मुझे बुला रहे हैं, गुरुदेव। बस उसके बाद फिर जी गोस्वामी को लेकर आया वो भक्त। रूप गोस्वामी जी गोस्वामी को देखकर क्रंदन करने लगे, रोने लग गए, अरे ये क्या हो गया तुम्हें, ये क्या हालत बना ली तुमने। जी गोस्वामी का आलिंगन किया और रूप गोस्वामी ने पर्सनली उनकी सेवा की, जी गोस्वामी उनका इलाज किया। जी गोस्वामी से बोले, तुम जानते हो जी, जब से तुम गए हो मैं ग्रंथों की रचना नहीं कर पा रहा हूँ, एक अक्षर मैं आगे नहीं लिख पा रहा हूँ, मैं कहाँ चले गए थे तुम जी। और रूप गोस्वामी ने क्या किया, प्रेमवश जीव के लिए, प्रसन्नता के लिए बहुत सुंदर एक विग्रह बनाया अपने हाथों से और नाम दिया राधा दामोदर। जीव को कहा, देखो राधा दामोदर, ये राधा दामोदर है, सुंदर है ना। बोलते, बहुत सुंदर है, ये तुम्हारे लिए है। क्या, ये मेरे लिए है? गदगद हो गए जीव गोस्वामी राधा दामोदर को देखकर। बस भाव विभोर हो गए, आंखों से आंसू बहने लगे, शरीर में कंपन होने लगा, रोमांचित हो गया, अश्व सात्विक भाव प्रकट होने लगे। और उसके बाद फिर रूप गोस्वामी ने जी गोस्वामी को कहा, ये आपके सेवित विग्रह होंगे, इनकी आप सेवा करिए जीवन भर। तो इस तरह से जी गोस्वामी को, रूप गोस्वामी से राधा दामोदर का विग्रह प्राप्त हुआ, जो अभी वृंदावन सॉरी जयपुर में है। मूल विग्रह राधा दामोदर मंदिर, छोटे से विग्रह, इतने से रूप गोस्वामी ने अपने हाथ से बनाया। तो इस प्रकार ये घटना है श्रीपाद वल्लभाचार्य की। अब क्या हुआ, फिर एक समय राधा दामोदर मंदिर जहाँ पे सेवा कुंज में कथा चल रही है, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी भागवत कथा कर रहे हैं और अनेक दिग्गज वैष्णव वहाँ बैठे हैं और गोस्वामी भी बैठे हैं, सब कथा सुन रहे हैं। रूप गोस्वामी जो है एकदम स्तब्ध हो गए, सुनते सुनते भागवत सुनते सुनते। देखिए उनके सुनने की स्थिति क्या थी, श्रवण करने की स्थिति क्या थी रूप गोस्वामी की। कवि कर्णापुर ने लिखा है भक्ति रत्नाकर में, कवि कर्णापुर कह रहे हैं कि मैं नज़दीक बैठा था रूप गोस्वामी के, मैं बिल्कुल नज़दीक बैठा था, रूप गोस्वामी का शरीर तप रहा था और ऐसा लग रहा था कि उनके नासिका से आग की लपटें निकल रही हैं, पूरा शरीर तप रहा था उनको, पूरा शरीर उनका तप रहा था, उनका शरीर रूप गोस्वामी का कथा को सुनते हुए, मतलब ये भाव का स्तर था रूप गोस्वामी का भागवत सुनते। और हमारा भाव क्या हम जानते। तो फिर इस तरह से मतलब ये घटना है रूप गोस्वामी की, और घटना बताई गई है भक्ति रत्नाकर बताई। और एक घटना बड़ी सुंदर घटना है, जब रूप गोस्वामी जो है टेर कदम में रहते थे, टेर कदम में बड़ा सुंदर भजन कुटीर है रूप गोस्वामी का, आज भी हम जा सकते हैं वहाँ देख सकते हैं। और वृद्धधाम में रहते हुए रूप गोस्वामी की बड़ा इच्छा होती थी, क्योंकि कई जगह पर वो रहते थे, कभी भद्रवन में, कभी नंदीश्वर में, कभी राधा कुंड में, कभी राधा रघुनाथ दास गोस्वामी के पास, कृष्णदास कविराज गोस्वामी के पास, और रूप गोस्वामी इस तरह से धामेश्वरी श्रीमती राधाणी पे ध्यान लगाते थे, लीला स्फूर्ति होती थी उनको, और वह इंतज़ार करते थे कि कब मैं राधाणी का साक्षात दर्शन कर पाऊँगा। इतना समय बीत गया मुझे ब्रज में रहकर भजन करते हुए, क्या मैं यहाँ मधुकरी करने के लिए आया हूँ केवल? अगर मुझे राधाणी का दर्शन नहीं प्राप्त होता है तो ऐसे जीने का क्या लाभ, मेरा जीना ही बेकार है, मेरा जीवन तो व्यर्थ हो गया। तो इस तरह से सोचते सोचते बड़े दुखी होते, और इस तरह से कई दिनों तक उन्होंने खाया पिया भी नहीं ठीक से, वो गए नहीं मधुकरी के लिए। उनको लगा मधुकरी क्यों करूं मैं मधुकरी के लिए रह रहा हूं, राधाणी का दर्शन नहीं हो रहा मुझे। तो इस तरह से खाना सोना सब बंद कर दिया एक तरह से। पता चला सनातन गोस्वामी आने वाले हैं, तो अगर सनातन गोस्वामी आ रहे हैं, अरे उनके लिए कुछ बनाना चाहिए मुझे। सोचा कि सनातन गोस्वामी के लिए मुझे खीर बनानी होगी, मैं आज खीर बना के खिलाऊंगा अपने लिए नहीं, सनातन गोस्वामी के लिए, क्योंकि हम तो पहले प्लान करते हैं कि हम क्या क्या खाएंगे, उसके हिसाब से बनाते हैं, पहले मेनू डिस्कस करते हैं हम, शाही पनीर बनाओ, खीर बनाओ, ये बनाओ, बनाओ 50% खा लिया उसको। तो फिर
इस तरह से वो चिंता कर रहे थे। एक ग्वालिन आई, ग्वालिन ने कहा खीर कैसे बनाओगे, चावल है तुम्हारे पास, दूध है, चीनी है, शक्कर है, मैं लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए, ले लो बना लो। और उसके बाद जब आए, बहुत भूखे होंगे तुम, कई दिनों से तुमने खाया नहीं, मेरी माता ने भेजा है तुम्हारे लिए। उन्होंने कहा कि देखिए आओ। तो रूप गोस्वामी सोचने लगी राधाणी कितनी कृपालु हैं, कितनी दया है। पता चला उनको कि सनातन गोस्वामी आ रहे हैं और वो मैं खीर खिलाना चाहता हूँ, तो उन्होंने ये सब भिजवा दिया। लेकिन फिर भी रोने लगे, लेकिन कृपा तो हुई है किसी के माध्यम से, लेकिन खुद स्वयं उन्होंने दर्शन नहीं दिया मुझे अभी तक, ऐसा कहते कहते रो रहे थे वो। और रूप गोस्वामी को देखकर वो ग्वालिन बोली, वो लड़की बोली, क्यों रोते हो बाबा, क्यों रोते हो? इसलिए कि तुम बहुत कमज़ोर हो गए हो, खीर बना नहीं पाओगे। मैं बना दूं क्या, मैं बना के खिला दूं? तो बोले नहीं नहीं, मैं खुद बना लूँगा, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो बाबा आप बहुत कमज़ोर हो गए हो, मधुकरी के लिए क्यों नहीं जाते हो, क्यों नहीं खाते हो, क्यों नहीं जाते हो मधुकरी के लिए? तो रूप गोस्वामी ने कहा कि मैं क्या ब्रज में मधुकरी करने के लिए रह रहा हूँ? मैं यहाँ पे खाने के लिए आया हूँ क्या ब्रज में? मैं यहाँ पर ब्रजेश्वरी श्रीमती राधाणी का दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ, इतना समय हो गया भजन करते करते, राधाणी का अगर दर्शन नहीं प्राप्त हुआ, उनकी अगर मुझे सेवा नहीं मिल रही है, तो क्या लाभ ऐसे जीने का, क्या फायदा? इससे अच्छा कि मैं प्राण ही त्याग दूं। तो इस तरह से रूप गोस्वामी कहने लगे। लाली ने कहा, वो ग्वालिन ने कहा, बाबा आपके ऊपर राधाणी की कृपा हो चुकी है, मेरी माता ने कहा है कि वृंदावन में केवल वही रह सकता है जिसके ऊपर राधाणी की कृपा हो, नहीं तो गेट आउट, नो परमिशन नो एडमिशन। वो बोलता है मोहन पांडा राधा कुंड में वही बोलता है, नो परमिशन नो एडमिशन, राधाणी की कृपा चाहिए, गेट आउट, जाओ दिल्ली वापस, खीर बना लो खा लो, नहीं तो राधाणी को बहुत दुख होगा। तो इस तरह से बोले वो। और उसके बाद वो ग्वालिन चली गई। ग्वालिन जब चली गए तो बीच में उसके बाद सनातन गोस्वामी आ गए। सनातन गोस्वामी जब आए वहाँ पर और उन्होंने कहा, कैसे हो रूप, सब कुछ ठीक है? इतने में रूप गोस्वामी ने जो है खीर बना लिया था, भोग भी लगा लिया। खीर जब प्रसाद पाया सनातन गोस्वामी ने, इतना स्वादिष्ट चिन्मय अमृत पूरा, बड़ा आनंद आया उनको, जैसे अमृत के लिए होता ना खीर, वैसा लग रहा था। वो लगा था कि भैया ये प्राकृत जगत का नहीं है, तो आप प्राकृत है, चिन्मय है, दिव्य है एकदम से, वाह, ऐसे करके बड़ा आनंद ले रहे थे वो खीर पाते हुए। उन्हें कहा कि कौन लेकर आया था ये सब? उन्हें बताया कि आई थी लाली, आई थी ग्वालिन, आई थी वो लेकर आई थी दूध चावल चीनी शक्कर इत्यादि लेकर आई थी, तो मैंने फिर बनाया। तो सनातन गोस्वामी समझ गए, सनातन गोस्वामी बहुत एक्सपर्ट है। उन्हें कहा कि रूप जानते हो वो लड़की कौन थी? वो स्वयं राधा रानी थी, और तुम्हारे लिए वो आई हैं कष्ट उठाकर। तुमने राधा रानी से सेवा ली है, आज हम राधा रानी से सेवा लेने के लिए ब्रज में रह रहे हैं क्या? जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी को बोला था सनातन गोस्वामी ने, वही बात यहां पे बोली, हम यहां राधा रानी से सेवा लेने के लिए कर रहे हैं, यार सेवा करने के लिए आए हैं। तुम भूखे रहते हो, कुछ खाते नहीं हो, मधुकरी के लिए नहीं जाते हो, कैसे राधाणी सहन करेंगे अपने भक्त को धूखा भूखा देखकर? इसी वजह से उनको आना पड़ा। और दूसरे तुमने जो इच्छा की मनी मन मुझे खिलाने के लिए खीर, इस वजह से भी राधाणी ने तो है इतना कष्ट उठाया हमारे लिए, हमारे लिए वो सेवा करने के लिए आए हैं। देखो लानत है हमारे ऊपर, हम राधाणी की सेवा ले रहे हैं, सेवा ले रहे हैं ब्रज में रहकर। तो इस तरह से, तो कहने का मतलब ये सब सुनकर जो है रूप गोस्वामी को राधाणी का स्मरण हुआ, और उन्होंने कहा अभी खीर बनाया तुम भी खाओ उसको। राधाणी को नहीं, बहुत दुख होगा तुम इस तरह से भूखे रहते हो, तो मधुकरी में जाया करो तुम। तो इस तरह से जब देखा तो इतना रोने लगे रूप गोस्वामी की उनकी आंखें सूज गई रोते रोते, भाव विभोर हो गए। और इसके बाद पता चला, वो पता लगाने लगे कि वो ग्वालिन कहाँ गई हैं। वो ग्वालिन का पता चला, उनके घर भी पहुँचे, पता चला कि वो तो अपनी जो है मामी के घर पे चली गई, चली गई तो वापस भी तो आएंगी नहीं, वो तो चली गई।
तो इस तरह से राधा रानी ने कृपा की, साक्षात राधा रानी आए रूप गोस्वामी के पास। और एक घटना और है जो चेतन चरतामन बताया है, जिस तरह से महाप्रभु के लिए गोपाल जी जो हैं गोवर्धन के नीचे उतर कर गांठुली गांव चले गए थे और महाप्रभु ने उनके समक्ष नृत्य किया था। तो एक बार रूप गोस्वामी की भी इच्छा हुई कि गोपाल जी का दर्शन करूँ मैं, चेतन चरतामन वर्णन आता है, गोपाल जी गोवर्धन के उसमें थे ऊपर हूँ। और उसके बाद वही फिर रूमर फैलाया गया गोपाल जी के द्वारा ही कि यवन आ रहे हैं, मंदिर टोल डालेंगे और नुकसान पहुंचाएंगे श्री वगैरह को। तो इस तरह से वो भी नीचे आ गए और उसके बाद फिर रूप गोस्वामी का दर्शन प्राप्त हुआ गोपाल जी का। बाद में बताया जाता है कि भक्त लोग जो हैं मथुरा ले गए और वहाँ जो श्रीपाद वल्लभाचार्य के सुपुत्र थे विट्ठलेश्वर, उनके घर में गोपाल जी को रखा गया। और इस तरह से गोपाल जी का दर्शन करने वहाँ पर उस समय रूप गोस्वामी आते हैं मथुरा, मथुरा में रहते हुए रूप गोस्वामी ने गोपाल जी का दर्शन किया था वहाँ पर। और उसके बाद फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, भूगर गोस्वामी, जी गोस्वामी, ये सब गोपाल जी का दर्शन वहाँ पे किए थे विट्ठलेश्वर के घर पर। तो विट्ठल इसी तरह से धीरे धीरे हम देखते हैं गोपाल जी कहाँ चले गए, वल्लभ संप्रदाय में चले गए। लेकिन पहले तो गौड़िया वैष्णव की तरह सेवित थे। और एक समय की बात है, रूप गोस्वामी भजन में मग्न थे, लीला स्फूर्ति उनको हो रही थी। अब लीला स्फूर्ति जब हो रही, क्या लीला स्फूर्ति हो रही है उनको कि देख रहे हैं कि राधा रानी फूल चुनना चाह रही हैं वृक्ष से, कि टहनियों से फूल तोड़ना चाह रही हैं, और वो ऊपर पंजों के बल खड़ी हैं, बड़ी मुश्किल से फूल निकालने की कोशिश कर रही हैं कृष्ण के लिए। और कृष्ण वृक्ष में चढ़ गए, पेड़ की टहनी के पीछे छुप कर टहनी को उन्होंने झुका दिया और राधा रानी ने उसको पकड़ लिया। जब पकड़ लिया तो वृक्ष की टहनी को छोड़ दिया कृष्ण ने और राधा रानी हवा में लटकने लगी। ये देखकर सब हंसने लगे सखियाँ और कृष्ण भी हंसने लगे और ये देखकर रूप गोस्वामी भी हंसने लगे। लीला स्फूर्ति हो रही है तो वो भी हंस दिए। तो हंसे तब तो क्या, सामने से कुरूप वैष्णव आ रहे थे, उनको बड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा कि मैं आया था रूप गोस्वामी से मार्गदर्शन के लिए, उनका सानिध्य संग प्राप्त करने के लिए, ये मुझे देखकर हंस रहे हैं, बड़ा बुरा लगा। चले लीला स्फूर्ति बंद तुरंत, वैष्णव अपराध होते तुरंत लीला स्फूर्ति बंद। बताइए कल बता रहे थे कोई, जब वैष्णव अपराध होता है तो उसके बाद अगर नाम उच्चारण करते हैं तो नाम बिल्कुल विपरीत फल देता है फिर। तो नाम तो ले लोगे फिर भी आप, लेकिन विपरीत फल देगा नाम। बहुजन्मे यदि करे श्रवण कीर्तन तबुता न पाए कृष्ण पते प्रेम धन, विपरीत फल देता है नाम फिर। भुक्ति का फल, मुक्ति का फल, भुक्ति का फल देता है फिर। तो यहां पर फिर वो अपराध हो गया, रूप गोस्वामी चिंता में पड़ गए, सनातन गोस्वामी से परामर्श करने लगे कि क्या समस्या, हमें तो समझ में नहीं आई ये क्या दिक्कत है। तो सनातन गोस्वामी ने कहा एक ही कारण हो सकता है लीला स्फूर्ति बंद होने का, हुआ है कोई वैष्णव के प्रति अपराध हुआ है, आपने जानबूझकर नहीं किया लेकिन अनजाने में हो गया है। आप तो किसी के प्रति अपराध करते नहीं हैं लेकिन अनजाने में कोई अपराध हुआ है, अनजाने में भी अपराध होता है तो घातक होता है। देखिए कितना डेंजरस है वैष्णव अपराध, ये दिखा रहे हैं रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी हमारे आचार्य हैं, प्रमुख प्रिंसिपल आचार्य हैं, लेकिन वो बता रहे हैं अपने आचरण के द्वारा। भक्ति रत्नाकर में इस तरह से भी लिखा है ये घटना, ये घटना इस तरह से लिखी गई है, लेकिन ये घटना एक और इस तरह से लिखी गई है। फिर वहाँ इसी में बता देता हूँ पहले मैं, उसके बाद क्या हुआ, रूप गोस्वामी को बोला सनातन गोस्वामी ने ऐसा करो वृंदावन में जितने भी वैष्णव हैं उन सबको प्रसाद के लिए निमंत्रण दो। सामान्य रूप से प्रसाद के लिए कोई मना नहीं करता है और आप बुलाएंगे, मान लीजिए गुरु महाराज बुलाने की प्रसाद का व्यवस्था की है, मैंने आप सब आ जाओ, शिष्यों को बोला गुरु महाराज अगर अनाउंसमेंट कर दें मंदिर में कि दिल्ली में जितने भी मेरे शिष्य सब आए प्रसाद के लिए, महाराज की इच्छा है तो पूरी दिल्ली जाएगी प्रसाद पाने, प्रसाद पाने तो पहुंच ही जाएंगे पक्का है। नहीं तो इसी तरह से रूप गोस्वामी की तरह से निमंत्रण आ रहा है, सब चले गए, एक वैष्णव नहीं आए। समझ गए वो भैया वो मुझसे दुखी हैं और वो देखने में कुरूप हैं, तो शायद कहीं ना कहीं उनके प्रति अपराध हुआ। रूप गोस्वामी चल पड़े और उन वैष्णव से क्षमा याचना की, फिर सबको ठीक हुआ। ये घटना इस तरह से बताई जाए। दूसरी घटना कैसी है, रूप गोस्वामी लीला स्मरण कर रहे हैं, क्या स्मरण कर रहे हैं, लीला स्मरण, राधा रानी का श्रृंगार हो रहा है, राधा रानी का श्रृंगार हो गया
और श्रृंगार के बाद दर्पण दिखाया जा रहा है, तेरा रानी देख लें सब कुछ श्रृंगार ठीक से किया कि नहीं हमने। सखियों ने श्रृंगार कर दिया, अब आईने को लेकर देखने लगी ऐसे। आईने को लेकर जब देखा राधा रानी ने, तो उसमें किसको देखा? श्याम सुंदर को देखा। भाई ये क्या दिख रहा मुझे? राधा रानी ने आईने में किसको देखा? श्याम सुंदर को देखा। और कैसे देखा? वृक्ष के पीछे छुप कर देख रहे हैं ऐसे, ये आईने में दिखाई दे रहा है राधा रानी को। तो सखियों ने देखा तो हंसने लगी, अरे भैया ये तो बड़ा नटखट है, ये श्रृंगार देख रहा है पीछे खड़े होके, वृक्ष के पीछे होके। ये लीला स्मरण करते हैं रूप गोस्वामी हंस दिए, भक्ति रत्नाकर में दिया है इस तरह से। और ये देखकर हंस दिए रूप गोस्वामी, वो सामने से जो आए थे वैष्णव, वो कुरूप थे बेचारे, वो बेचारे बहुत दुखी हो गए, लीला स्फूर्ति उनकी बंद हो गई। सनातन गोस्वामी से जब परामर्श किया तो उन्होंने यही कहा कि अच्छा होगा क्षमा से याचना कर लें। तो रूप गोस्वामी ने अपने घर से भजन कुटी से निकले क्षमा याचना करने के लिए, और पता चला बाद में सनातन गोस्वामी ने भी बताया उनको, उस वैष्णव को, कि रूप गोस्वामी कभी किसी के प्रति अपराध नहीं कर रहे हैं, उनसे उनकी लीला स्फूर्ति हो रही थी, लीला दर्शन में उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि हंस दिया, आपको देखकर नहीं हंसे हो, आप कृपा करके इस बात को बुरा ना माने, दुखी मत होइए आप। उनको लगा अरे बाप रे मुझसे तो बहुत बड़ा अपराध हो गया रूप गोस्वामी के प्रति, मैंने क्या सोच लिया उनके बारे में, मैंने तो बहुत बुरा सोच लिया। तो वो चले वहाँ से अपने घर से, और वो भी अपनी कुटिया से निकले, रूप गोस्वामी यहाँ से निकल रहे हैं, वो वहाँ से निकल रहे हैं, दोनों रास्ते में मिल गए, देखकर दोनों ने एक दूसरे को साष्टांग दंडवत कर दिया, क्षमा करिए वैष्णव ठाकुर मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, एक दूसरे से माफी मांगने लगे, हो गया सब समाप्त हो गया। तो इस तरह से देखिए हमारे आचार्य लोग कितने सतर्क हैं वैष्णव अपराध ना करने के लिए, कितने सतर्क, कितनी बड़ी बाधा है, अनजाने अगर अपराध हो जाए तो क्या हालत होती है सोच के थी? नहीं, लीला स्फूर्ति बंद उसी समय। ये सब है, और हम यहाँ तो पता नहीं पदम पदम हो रहा है, हर कदम में हो रहा है, नहीं बहुत बुरा हाल है। तो इस तरह से बता रहे हैं रूप गोस्वामी के तिरुभाव के बाद सनातन गोस्वामी ने आषाढ़ पूर्णिमा के दिन शरीर छोड़ा, जिसको गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं, और रूप गोस्वामी ने शुक्ल द्वादशी श्रावण मास 1766 यानी कि 73 साल की उम्र में श्री रूप गोस्वामी का तिरुभाव हुआ। आज के दिन श्रावण शुक्ल द्वादशी के दिन रूप गोस्वामी का तिरुभाव हुआ। ये बताया जाता है चैतन्य चरितामृत में, सनातन कृपाए पाइनु भक्तिर सिद्धांत, श्री रूप कृपा पाइनु रसभार प्रांत। बहुत सुंदर बात बताई गई है। क्या बताया यहाँ पर? कि सनात कृष्णदास के विराज गोस्वामी कह रहे हैं कि सनातन गोस्वामी ने हमें क्या दिया है? भक्ति का सिद्धांत दिया है, भक्तिर सिद्धांत। और रूप गोस्वामी ने हमें क्या दिया है? रसभार प्रांत, यानी कि हमें रस तत्व समझाया है। तो रसाचार्य रूप गोस्वामी, अनेक ग्रंथ लिखे हैं रूप गोस्वामी ने। हंसदूत, हंसदूत जिस तरह से उद्धव संदेश है, उद्धव संदेश में भगवान कृष्ण उद्धव जी को संदेश देने भेजा था, गोपियों को ब्रजवासियों को संदेश देके भेजा था भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को, उसको उद्धव संदेश देते हैं। और हंस संदेश, हंसदूत, हंस को दूत बना के भेजा। राधा रानी जो यमुना जी के तट पर मूर्छित होकर लेटी थी, तो ललिता जी ने क्या किया, एक हंस को भेजा राधा रानी का संदेशा पहुंचाने के लिए कि क्या हालत हो रही है देखिए। तो वो हंस जो गया, और हंस जिस रास्ते में जा रहा था उस रास्ते का वर्णन, ये सारा जो है लीला स्थलियों का वर्णन किया गया है उस रास्ते में, जिस रास्ते में हंस जा रहे थे, और हंस ने जाकर वो संदेशा भिजवाया था भगवान श्री कृष्ण को। तो वो भी रूप गोस्वामी के द्वारा लिखा गया था। तो ये रूप गोस्वामी जब रूप गोस्वामी महाप्रभु के मिलने से पहले ही ये ग्रंथ लिख दिए थे गौर लीला में, महाप्रभु से मिलने से पहले ही रूप गोस्वामी ने ये ग्रंथ लिखा था उद्धव संदेश। तो इस तरह से उद्धव संदेश भी रूप गोस्वामी का लिखा हुआ है, और स्तवमाला, विदग्ध माधव, ललित माधव, दान केली कौमुदी। ललित माधव ग्रंथ की जब रचना की रूप गोस्वामी ने, रघुनाथ दास गोस्वामी को एक ग्रंथ भेंट किया, रघुनाथ दास गोस्वामी जब ग्रंथ पढ़ दिए उनको इतना विरह हुआ, इसमें राधा कृष्ण का विग्रह का वर्णन है, इतना विरह उनको भी हुआ रघुनाथ दास गोस्वामी को, उस विरह के कारण रघुनाथ दास गोस्वामी प्राण त्यागने वाले थे ग्रंथ पढ़कर, ग्रंथ पढ़कर जो है विरह उत्पन्न हो गया था, प्राण त्यागने वाले थे। रूप गोस्वामी को चिंता हो गई, अरे ये क्या हो गया, मेरा ग्रंथ पढ़ के प्राण त्यागने वाले हैं,
तुरंत उन्होंने एक हास्यप्रद लीला, हास्य रस की लीला लिख दी उन्होंने, राधा कृष्ण की हास्य लीला, हास्य रस लीला लिख दी उन्होंने दान केली कुमुदी में। और जैसे ही ये ग्रंथ पढ़ा, बहुत छोटी पुस्तक है दान केली कुमुदी, जब ये पढ़ा तो क्या हुआ, रघुनाथ दास गोस्वामी पढ़कर बहुत स्वस्थ हो गए। फिर से हमारे आचार्य लोग कैसे स्वस्थ होते देखिए, इसलिए प्रभुपाद जी को जो हॉस्पिटल ले गए, प्रभुपाद ने कहा मुझे तुरंत निकालो यहाँ से, मैं नहीं रहना चाहता हॉस्पिटल में। प्रभुपाद जी बहुत सख्त खिलाफ थे हॉस्पिटल में जाना, डॉक्टर के पास जाना, तो प्रभुपाद जी को कपड़े से ढका गया था, व्हीलचेयर में बिठा के बाहर निकाला गया था, डॉक्टर छोड़ नहीं रहे थे ना, तो प्रभुपाद जी को ब्रह्मानंद स्वामी ने क्या किया, पूरे कपड़े से ढक दिया, व्हीलचेयर में बिठाया, बाहर ले गए। और उसके बाद सारे मंदिरों में कीर्तन के लिए बोला प्रभुपाल ने, इस्कॉन के सारे टेम्पल्स में कीर्तन हुआ, उसके बाद प्रभुपाल ठीक हो गए। प्रभुपाल ने कहा ये मेरी दवाई है, वो दवाई नहीं है, दिस इज माई मेडिसिन। तो ये यहाँ पर देख रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी किस तरह से स्वस्थ हुए हैं। तो इस तरह से भक्ति रसामृत सिंधु और माधुर्य रस के ऊपर विशेष ग्रंथ उज्जवल नीलमणि। उज्जवल नीलमणि तो ऐसा ग्रंथ है कि उसको जब खोलेंगे, हम पढ़ेंगे नहीं, जब उसको खोलेंगे तो हमें लगेगा कि वास्तव में हमारी कृष्ण भक्ति अभी शुरू ही नहीं हुई है। अगर हम अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हैं, वो किताब का पहला पन्ना देख लें, वो लगेगा देख के भैया ये हमारे लिए नहीं है, दिस इज दी PhD वर्क ऑफ रूप गोस्वामी, थीसिस वर्क, एक्चुअल थीसिस वर्क है, हाईली टेक्निकल, बहुत टेक्निकल है सब्जेक्ट पूरा माधुरी रस के ऊपर। एक बार कलकत्ता में एक प्रोफेसर थे जो अपने स्टूडेंट्स को उज्जवल नीलमणि पढ़ा रहे थे, तो ये एक शिष्य ने सूचना दी भक्ति सिद्धांत सिंह ठाकुर को, प्रभुपाद जी के गुरु महाराज को, कि गुरुदेव एक कलकत्ता के प्रोफेसर हैं, अपने शिष्यों को उज्जवल नीलमणि पढ़ा रहे हैं। तो उस समय उन्होंने कुछ कहा नहीं। कुछ समय के बाद क्या हुआ, उन्हीं शिष्यों में एक शिष्या से शादी हो गई प्रोफेसर की, तो वो भी आगे शिष्य ने बताया कि गुरुदेव वो शिष्य ने, वो प्रोफेसर ने अपने ही स्टूडेंट से शादी कर ली उज्जवल नीलमणि पढ़ाते पढ़ाते। प्रभुपाद गुरुदेव वो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने बोला देखो ये है उज्जवल नीलमणि पढ़ने पढ़ाने का ये परिणाम। तो ये बड़ा ही एलिवेटेड सब्जेक्ट है, और एक्चुअली हम उस वाकई में देखा जाए हम उसके लिए क्वालिफाइड है नहीं, और रूप गोस्वामी का मास्टरपीस, लेकिन प्रभुपाद जी ने कृपा करके हमें भक्ति रसाम सुंदर दिया, वो हमें जरूर पढ़ना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। इस तरह से उज्जवल नीलमणि, लघु भागवतामृत, और इस तरह से लघु भागवतामृत लिखा ग्रंथ, उपदेशामृत, और बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। लघु वैष्णव तोषणी में जी गोस्वामी ने लिस्ट दिया है, अष्टादश लीलाचंद, उत्कलिका वल्ली, गोविंद विरुद्धावली, प्रेमेंदु सागर, मथुरा महात्म्य, नाटक चंद्रिका, पद्यावली। पद्यावली में बड़ा फेमस श्लोक है, पता है, कृष्ण भक्ति रसभाविता मति क्रियताम यत् कुदोभि लभ्यते तत्रपि लौल्यम एकलम मूल्यम कोटि जन्म सुकृति न लभ्यते। ये रूप गोस्वामी के द्वारा लिखित पद्यावली में है। कृष्ण जन्म तिथि विधि, बृहद गुणदेश दीपिका, लघु गुणदेश दीपिका, प्रयुक्ता ख्यात चंद्रिका। तो इस तरह से बहुत सारे ग्रंथों का नाम, लगभग 100,000 श्लोक लिखे रूप गोस्वामी ने। जी गोस्वामी ने 400,000 श्लोक लिखे हैं। हम प्रभुपाद जी की बुक्स तो पढ़ लें कम से कम, हमें केवल पढ़ना है, लिखना नहीं है ना छपवाना है, हमें केवल पढ़ने के लिए बोला है। ये मत सोचते हैं कि लिखना है पेड़ के नीचे बैठ के, लिखना विखना कुछ नहीं है ना, प्रिंटिंग प्रेस में जाना है, किताब लेके खोल के बैठना है। अगर हम इन ग्रंथों को नहीं पढ़ेंगे तो हम रूपालों को नहीं है, क्योंकि रूप गोस्वामी ने तो ग्रंथ लिखे हैं, पढ़ने के लिए लिखा है, सजाने के लिए तो लिखा नहीं है। लेकिन एक बात है, गोस्वामी ग्रंथों को पढ़ने के लिए अधिकार। प्रभुपाद से एक बार पूछा था कि प्रभुपाद आप गोस्वामी ग्रंथों का अनुवाद कर रहे हैं, प्रभुपाद ने कुछ कहा नहीं। प्रभुपाद उसकी तरफ मुड़ के देखे, प्रभुपाद बोले इट विल टेक 100 years फॉर यू टू अंडरस्टैंड गोस्वामी लिटरेचर्स। प्रभुपाद ने कहा 100 साल लग जाएंगे तुम्हें गोस्वामी ग्रंथों को समझने, तो जितना मैंने दिया वो पहले पढ़ो। तो प्रभुपाद जी ने गोस्वामी ग्रंथों का ही नटशेल, उसका जो एसेंस है, अपने ग्रंथों में दे दिया सरल भाषा में, ताकि हम लोग भी समझ सकें। नहीं तो डायरेक्ट गोस्वामी लिटरेचर पढ़ोगे तो दिमाग की खिड़कियां बंद ही रहेंगी, खुलेंगी नहीं, समझ में नहीं आएगा। हाईली टेक्निकल एंड बहुत हैवी संस्कृत है, बहुत डिफिकल्ट। जैसे जी गोस्वामी के षट्संदर,
ऐसे ऐसे गौड़िया वैष्णव स्कॉलर्स हुए हैं और उसके बावजूद भी हम लोग अगर ग्रंथों में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो लानत। तो इस तरह से इन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। ये ग्रंथ हमारी धरोहर है, ये हमारा ट्रेशर है, ये हमारा खजाना है, इसको पढ़िए। प्रभुपाद जी को रूप गोस्वामी के दर्शन हुए राधा दामोदर मंदिर में। ये घटना सुना के मैं विराम दूंगा। राधा दामोदर मंदिर में, क्योंकि ये जब तक बताया नहीं घटना तो फिर हम लोग समझ में नहीं आया कि प्रभुपाद जी कितने क्लोज थे रूप गोस्वामी के। रूप गोस्वामी का पर्सनल आशीर्वाद और दर्शन मिला है प्रभुपाद जी को। जानते हैं आप, राधा दामोदर मंदिर में जब रह रहे थे, प्रभुपाद वहाँ लिखे हैं लेटर में, वहाँ एक नोट है, आई एम एटर्नली रिजाइडिंग एट राधा दामोदर, दिस जीव गोस्वामी टेम्पल इज माई हार्ट एंड सोल। प्रभुपाद जी के अपने शब्द हैं, आई एम एटर्नली रिजाइडिंग एट राधा दामोदर। प्रभुपाद जी का सेवा भजन का स्थान है, वो समाधि है यहाँ कृष्ण बलराम मंदिर में, लेकिन सेवा भजन का स्थान कहाँ है उनका, सेवा कुंज में है। तो एक समय की बात है, प्रभुपाद जी अपने कमरे में थे, बहुत दुखी लग रहे थे और अस्वस्थ भी थे और बुखार भी था उनको, बहुत दुखी दुखी लग रहे थे। अच्छा, इससे पहले की घटना, उस महंत का एक लड़का था छोटा सा, वो थोड़ा सा नटखट था, रोज क्या करता था, राधा दामोदर का जो दान पात्र है वहां जा से निकाल लेता था पैसे। प्रभुपाद जी ने एक दिन उसको रंगे हाथों पकड़ लिया, ओके बेटा ये क्या कर रहे हो, ये तो बहुत बड़ा पाप कर रहे हो तुम, राधा दामोदर का दे रहे हो, लक्ष्मी ले रहे हो तुम, उठा रहे हो यहाँ से दान पात्र से, क्यों चाहिए तुम्हें ये लक्ष्मी। प्रभुपाद ने देखिए, प्रभुपाद कैसे करेक्ट करते, देखिए प्रभुपाद जी का करेक्शन करने का तरीका कितना ब्यूटीफुल है, यूनिक है, बच्चा है ना उसको कैसे करेक्ट करना है देखिए। बोलते हैं कि स्वामी जी, महाराज जी, मैं मीठा खाऊंगा, पेड़ा खाऊंगा, रबड़ी खाऊंगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है, पैसा होगा तो ले सकता हूँ ना। तो अच्छा ये बात है, प्रभुपाद ने कहा मैं तुम्हें बना के खिलाऊं तो, बोलते फिर मैं क्यों निकालूंगा। प्रभुपाद जी रोज रबड़ी बना के खिलाते थे उसको, रोज। वो लड़का इतना वो हो गया, मतलब उसने सब छोड़ दिया, पूरा एक भक्ति बन गया हो वो, बाद में चल के मंदिर का महंत भी बना। प्रभुपाद जी क्या कर, प्रभुपाद देखो कैसे कर कर रहे हैं, डांटे वांटे कुछ नहीं, प्रभुपाद ने उसको बना के खिलाया तो उसे चोरी करना बंद कर दिया। तो वो लड़का जो है प्रभुपाद जी के बहुत करीब हो गया था, प्रभुपाद के दर्शन करने आया करता था, वो वहीं रहते थे प्रभुपाद। तो एक दिन क्या है, रात्रि को प्रभुपाद जी के कमरे से बहुत तेज प्रकाश निकल रही थी, बल्ब के लाइट देखा, वहाँ बहुत कम लाइट है, वहाँ बल्ब तो छोटी सी बल्ब है, पुराने ज़माने की बल्ब जैसे लगती है वो, तो लेकिन तेज प्रकाश निकल रहा था कमरे से। दरवाजे के पास जाके बैठ गया, रात्रि का समय था, आधी रात, घर वाले सब सो रहे थे और अंदर कुछ बात करने की आवाज़ आ रही थी, कोई कह रहा था श्रील प्रभुपाद जी से, ये महान कार्य आपके द्वारा होगा, जब जब आप भक्ति रसामृत सिंधु चैतन्य चरितामृत से पाठ करेंगे आप मुझे अपने नज़दीक पाएंगे, आप चिंता न करें, केवल आप इन ग्रंथों का प्रकाशन करें और पाश्चात्य जगत में जाएं, सारी व्यवस्था हम करेंगे। ये बातें हो रही हैं। तो उसके बाद फिर कुछ समय गया तो प्रकाश बंद, वो वापस आ गया, लड़का सो गया। अगले दिन गया, अगले दिन गया तो प्रभुपाद जी के गले में, पूरे गले में माला, ऐसी माला लंबी, ये तो बहुत छोटी है, पूरी लंबी माला घुटने तक, और प्रभुपाद इतने खुश लग रहे हैं, अपना बैठ के वहाँ पे नीचे बैठ के जप कर रहे हैं, प्रभुपाद बड़े आनंद में लग रहे हैं, बहुत खुश लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, स्वस्थ लग रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक है ना। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक हूँ मैं। अच्छा एक बात बताइए स्वामी जी, कल रात को मैंने देखा आपके कमरे से आवाज़ आ रही थी बहुत, और तेज प्रकाश से गल रहा था, कोई आया था क्या, आधी रात को कौन आया था। निकट में एक बाबा जी रहते थे, हृदयनंदास बाबा जी करके, उन्होंने छत पे जाके देखा था, रोने की आवाज़ आती थी रात को, कई बार आधी रात को रोने की आवाज़ आती थी, देखते थे प्रभुपाद जी ज़मीन पे लौट रहे हैं रूप गोस्वामी के भजन कुटीर समाधि के सामने, और अगरबत्ती दिखा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, रो रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं बार बार कि कब मैं अपने गुरु की इच्छा पूरी कर पाऊंगा, कब मैं जा पाऊंगा पाश्चात्य जगत में, क्योंकि प्रभुपाद जी की उम्र हो रही थी, प्रभुपाद चिंता कर रहे हैं, मैं वृद्ध हो रहा हूँ, पता नहीं क्या होगा मेरा, मैं कब जा पाऊंगा, अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर पाऊंगा कि नहीं, ऐसे करके रूप गोस्वामी से बोलते प्रभुपाद जी
बोलते हैं कि आपके पास अनेक लोग आते हैं, आपकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, लेकिन कब मुझे आपके दर्शन प्राप्त होंगे? ऐसे करके प्रभुपाद रोते थे रूप गोस्वामी के सामने। तो फिर क्या हुआ, अब ये लड़का आया था, जब लड़के ने पूछा कि कल रात को कौन था, तो उन्होंने बताया किसी को बताना नहीं, कल मुझे रात को रूप गोस्वामी के दर्शन हुए थे। फिर प्रभुपाद ने बताया कि उन्होंने मुझे क्या कहा। अब क्या है, ये एक शिष्य को बताया था प्रभुपाद ने, और वो शिष्य ने हरीश्वरी प्रभु को बताया था। हरीश्वरी प्रभु ने प्रभुपाद से दोबारा पूछा कि प्रभुपाद आपको राधा दामोदर मंदिर में रूप गोस्वामी के दर्शन हुए थे? प्रभुपाद उसको ज़्यादा महत्व नहीं दिए। प्रभुपाद ने कहा तो सब जानते ही हैं, प्रभुपाद ने उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया। कहने का मतलब है प्रभुपाद नहीं चाहते इसकी पब्लिसिटी भी हो हर जगह। तो इस तरह से प्रभुपाद जी को रूप गोस्वामी से समझ लीजिए पर्सनली प्रभुपाद को एम्पावर कर दिया रूप गोस्वामी ने। इसलिए यहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर की बात सत्य निकलती है, श्री चैतन्य मनोभिष्टम स्थापितम ये न भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपनांतिकम। तो ये महान कार्य आपके द्वारा होगा, है ना, हर प्रकार की सहायता आपको मिलेगी हमसे, चिंता ना करें, आप केवल ग्रंथों का प्रकाशन करें। तो इसी तरह शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जब उनके गुरुदेव भी चले गए, भक्तिनो ठाकुर भी चले गए, वो बहुत अपने आप को अकेला महसूस करने लगे। और एक बार योगपीठ में थे, जब रात्रि के समय पंच तत्व उनके सपने में आए और सभी आचार्य उनके सपने में आए, भक्तिनो ठाकुर, बाबा जी महाराज, छह गोस्वामी वृंदावन के सब सपने में आए, उन्होंने कहा कि आप चिंता ना करो, आपको असीमित मात्रा में ऐश्वर्य मिलेगा, असीमित मात्रा में भक्त मिलेंगे, असीमित मात्रा में जो है आपको हर प्रकार की सुविधा मिलेगी, आप महाप्रभु का आंदोलन लेके जाइए पूरे विश्वभर में। ऐसा प्रभुपाद जी के गुरु महाराज को सपने में आए थे। और उसके बाद फिर शिल भक्ति सिद्धांत ठाकुर जो है मायापुर छोड़ के कलकत्ता आए थे। उनका हम सब आपके साथ हैं, आपके साथ, हम सब आपके साथ हैं, आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। तो इस तरह से देखिए शिल प्रभुपाद जी के गुरु महाराज से चला आ रहा है, भक्तों ठाकुर से वो इच्छा चली आ रही है, जो आज इच्छाएं प्रभुपाद जी के माध्यम से उनके शिष्य भी कर रहे हैं। तो ये रूप गोस्वामी की इच्छा एक तरह से, और रूप गोस्वामी रूप मंजरी हैं, और रूप मंजरी राधारानी की प्रमुख मंजरी हैं, करोड़ों करोड़ों खरबों खरबों मंजरियों की प्रमुख मंजरी है रूप मंजरी। तो रूप मंजरी के माध्यम से जाना पड़ता है राधारानी के पास, डायरेक्ट नहीं है एडमिशन वहाँ। तो उनकी बड़ी कृपा चाहिए आज के दिन। तो साधक के रूप में गौरलीला में रूप गोस्वामी के रूप में आ रहे हैं और दिखा रहे रूप गोस्वामी साधना करके अपने आचरण के द्वारा, आचार्य होने के नाते शिक्षा दे रहे हैं कि हमें किस तरह का साधन भजन करना चाहिए, किस तरह का सेवा भाव रखना चाहिए, किस तरह की विनम्रता रखनी चाहिए। ये सब रूप गोस्वामी ने सिखाया है अपने जीवन के द्वारा, अपने शिक्षाओं के द्वारा। तो आज हम उनके चरणों में प्रार्थना करेंगे रूप गोस्वामी के। नहीं, हरे कृष्ण, शिल रूप गोस्वामी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय, शिल प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा 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 हरे।